कराया। खड़ा हो जाइए, जितने भी सत्ता पक्ष के लोग हैं खड़ा हो जाइए, ना हां पक्ष के। हाँ बैठ जाए, कृपया आप लोग बैठ जाए। अब ना पक्ष वाले खड़े हो जाए, सचिव आप गन्ना कराएं। ना पक्ष वाले शांति शांति।
माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, हाँ कृपया बैठ जाएं आप लोग, कृपया बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं। माननीय सदस्यगण, वर्तमान माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा को उनकी पद से हटाने हेतु प्रस्तुत संकल्प के प्रस्ताव पर विभक्त होकर मतदान का जो फल आया है वह निम्न प्रकार है। प्रस्ताव के पक्ष में 125 और प्रस्ताव के विपक्ष में 112। अतएव समस्त सदस्यों के बहुमत से यह संकल्प पारित हुआ, अतएव यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। वर्तमान अध्यक्ष को पद से हटाए जाने पर सभा की सहमति हुई। अब गेट खोल दिया जाए। कृपया सभी माननीय सदस्य आग्रह के अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। माननीय सदस्यगण, अब वर्तमान मंत्रिपरिषद द्वारा लाए गए विश्वास प्रस्ताव पर विमर्श होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है। यानी मेरा यही प्रस्ताव है कि इस पर यह सभा नहीं आ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है। माननीय सदस्य का, माननीय सदस्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव अपना पक्ष रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम इस नई सरकार के विरोध में खड़े हैं और सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगातार 9 बार उन्होंने शपथ लेकर के इतिहास रचने का काम किया और 9 बार तो लिया ही महोदय, लेकिन एक ही टर्म में 3-3 बार लिया, ऐसा अद्भुत नजारा हम लोगों ने नहीं देखा। माननीय दोनों सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम बने, बड़ी खुशी है
कि ये डिप्टी सीएम बने, इनका बयान हमने देखा कि भाजपा जो है इनकी मां, भाजपा पार्टी जो है मां, लेकिन हम तो कहना चाहते हैं आरजेडी ना आपकी मां हुई ओरिजिनल। तो आप तो पहले हमारे दल में ही थे। अच्छा चलिए ठीक, चलिए कोई बात नहीं, आप अस्वीकार कीजिए, लेकिन जनता तो इस बात को जानती है। हमें खुशी है कि साथ में दो दो डिप्टी सीएम बने और विजय सिन्हा जी भी डिप्टी सीएम बने, स्पीकर पद पे भी रह लिए, नेता विरोधी दल भी रह लिए और डिप्टी सीएम भी रह लिए। इन्होंने भी इतिहास रच दिया, एक टर्म में तीन तीन पद इन्होंने भी पा लिया। तो ये आप सोचे थे कि नहीं विजय बाबू? अरे आपके दिमाग में आया था कि आप एक टर्म में, एक टर्म में स्पीकर भी, डिप्टी सीएम भी और नेता विरोधी दल भी आप बन गए? तो इसके लिए आप तीनों लोगों को विशेष तौर पे हम बधाई देना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए आदरणीय थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हम इनकी इज्जत हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे। और हम तो कई बार इनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला और हम लोगों ने काम किया मिलकर के, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे हम सारी बात को भी हम अपने आप लोगों के समक्ष जो है रखने का काम करेंगे। अब कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं इस बात को बोलते रहे हैं कि तुम मेरा बेटा जैसा हो, कई बार बोलते हैं और हम भी अपना मानते हैं, अपने गार्जियन मानते हैं। और आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं, हम आप सबके मन में तो राम है ही, शांति शांति। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, हम तो नीतीश जी को एक दशरथ जो पिता है उनके रूप में वैसा गार्जियन मानते हैं कि भाई कई बार जो है इन्होंने कई बार आप लोगों के सामने भी बोला आप तो यही करेगा, यही आगे बढ़ेगा। तो चलिए नौजवान लोग ना आगे बढ़ेगा, आगे काम करेगा, लेकिन कई बार मजबूरियां रही होंगी इनकी, जैसे दशरथ की मजबूरी थी, राजा दशरथ की, कि राम को जो है वनवास जो है भेज दिया गया। लेकिन उस बात को हम मानते हैं कि हम वनवास नहीं आए हैं, बल्कि हमको इन्होंने भेजा है जनता के बीच उनके सुख और दुख के भागीदार बनने। पहले बार ही अपने से दूर किए, वो भी क्या मजबूरियां रही हमको नहीं पता, ना आपको पता, किसी को नहीं पता क्या मजबूरियां रही। लेकिन इन्होंने जब पहली बार जब दूर किया तो एक ही बात निकल के आया, क्या बात निकल के आया कि आप जो है एक्सप्लेन कर दीजिए, आपके ऊपर जो है मुकदमा है, केस है। जब दोबारा जब इन्होंने अपनाने का काम किया तो इन्होंने कहा कि सब बीजेपी वाला सब फंसाने का काम करता है, ईडी और सीबीआई लगा देने का काम करता है। देखिए हम तो आपको इज्जत देते हैं और आगे भी देते रहेंगे, लेकिन ये बात समझना पड़ेगा और बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं। ये तो सब लोग जानना चाहता है, सब लोग की इच्छा, आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा। 2020 का हम लोग चुनाव जीत करके आए, मात्र बेईमानी के बाद 12,000 का डिफरेंस था पूरे महागठबंधन और एनडीए में, आप क्यों छोड़ के आए? आपने यही बोला था ना कि हम एनडीए इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पार्टी को तोड़ा जा रहा है, हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। और आपने ये कहा था मर जाएंगे मिट जाएंगे, तो आप कहते ही रहते हैं, हमेशा लगातार ही कहते रहते हैं, उस पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन आपने तो ये कहा था कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष्य है,
ना प्रधानमंत्री बनना है, ना किसी को मुख्यमंत्री बनना है। देश भर के विपक्षों को गोल बंद करके जो तानाशाह है उसको दोबारा नहीं आने देना है, इसीलिए ना पाए थे। और आप जब गवर्नर हाउस गए महोदय, मुख्यमंत्री जी जब आप बाहर आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था, आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी, आपका मन लगाने के लिए, हम तो आपका साथ ना देने के लिए थे कि जो काम आप बोलते थे असंभव है उसको हम लोगों ने मुमकिन करके दिखाने का काम किया। आपने 2020 के चुनाव में क्या कहा था, झूठ मत बोलिएगा। देखिए हम आप लोग से उम्र में छोटे, अपने बाप के पास से लाएगा, जेल से पैसा लाएगा, नौकरी बांटेगा, असंभव है, क्या बोले थे। और हमने उस समय चुनाव के दौरान रोजगार पर विशेष तौर पर हमने बोला था, हमने सर्टिफिकेट अध्ययन किया, रिक्त पदे हैं इतनी इतनी है, उसको हम लोग जो है भरने का काम करेंगे। हमको दुख इस बात का नहीं है कि हम लोग विपक्ष में आ गए, हमको तो खुशी है कि उन 17 महीनों में जो देश में किसी सरकार ने नहीं किया उसको हमारी महागठबंधन सरकार ने करने का काम किया। आप बताइए, आपको याद होगा जब आप बीजेपी को धोखा देना चाह रहे थे, हम तो नहीं आना आपके साथ आना चाहते थे, ये बात हम आपको कहे भी थे कि हम तो नहीं आना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन देश भर के सभी नेताओं का दबाव है कि भाई एक बार 2024 के चुनाव में हम लोग एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर के मोदी जी को हराने का काम करें। तब हमने क्या कहा था मुख्यमंत्री जी, याद है, विजय जी है आप भी सामने, हम कहते मुख्यमंत्री जी हम सरकार में नहीं आएंगे, हम बाहर रह करके आपको समर्थन देंगे और आपके सरकार को कोई खतरा नहीं होगा, आप चलाइए सरकार, निफिक्र होकर के चलाइए, क्योंकि हम लोगों का भी लक्ष्य है कि भाजपा को देश से भगाने का काम करें, उस सांप्रदायिक शक्तियों को जो विचारधारा है जो समाज में जहर बोने का काम करती है उसको हम लोग भगाने का काम करें, इसीलिए ना हम लोग एक साथ आए थे, और तो कोई कारण नहीं था। अब हम को बताना हम नहीं चाहते हैं कि दशरथ तो नहीं चाहते थे राम वनवास जाए, लेकिन कैकेयी जरूर चाहती थी कि राम जो है वनवास चले जाए। मुख्यमंत्री जी आप हमको बेटा कहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लंबी उम्र रहिए और जो सिलसिला आपने चलाया था उसको जरूर आगे चलाइए, उसमें हमारा समर्थन रहेगा, रोजगार बांटिए, नौकरी बांटिए, जो गांधी मैदान से आपने ऐलान किया था। लेकिन केकई को भी पहचानिए, कौन कौन केकई बैठा हुआ है आपके पास। सम्राट चौधरी जी पगड़ी पहनते हैं, फालतू अगर पहनते हैं उतारने का बात करते हैं, ये सब करो, फिल्म का शूटिंग चल रहा है महोदय, अब बांध लीजिए पगड़ी, चलो आओ मैदान में, आप खोलिएगा। अरे हम पर गलत बात नहीं है, सुन लो यार नवीन जी, सुनिए ना, पथ निर्माण मिल जाए बहुत कृपा होगी, आप आगे काम कीजिएगा, बैठिए ना, बैठ जाइए बोलने दीजिए। तो उपाध्यक्ष महोदय बोल दीजिए, बैठिए आप लोग शांति से बैठिए, आपके आप जब बोलिएगा इधर से नहीं कोई बोलेगा, आप शांति से बनाए रखिए। हमें विश्वास है कि हमारे एक और चाचा विजेंद्र जी बैठे हैं यहाँ, हमको जरूर लगता कि इन्होंने जरूर सलाह दी होगी सम्राट चौधरी जी को पगड़ी उतार लो, दिए कि नहीं दिए। आप तो हमको सलाह देते थे, हमको पता है आपके मन में भी पीड़ा है, दर्द है, लेकिन आप एकदम अपने नेता के साथ जो निर्णय है उसी में लेते हैं, लेकिन नेता तो निर्णय लेते हैं, साथ देना चाहिए, लेकिन कभी कोई सलाह और एक स्टैंड भी लेना चाहिए कि कोई गलत निर्णय ना हो, इससे नेता का ही नुकसान होगा, इससे नेता का ही नुकसान होगा। तो इस बात की तो हमको चिंता रहेगी। अभी
सम्राट चौधरी जी क्या क्या बोलते थे उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन सम्राट चौधरी जी के पिता भी हमारे दल में रहे हैं और उनका शब्द मुख्यमंत्री जी के लिए क्या क्या रहा है वो हम यहाँ नहीं बताना चाहते। आपके भी दिल में है, आपके भी कान में है, आप लोगों के भी होश में है और पूरा बिहार बच्चा बच्चा से पूछ लीजिए कि हम कोई ऐसा बोल सुन लीजिए ना, अरे सुन तो लो भाई, किसी भी बिहार में बच्चा बच्चा से पूछ लीजिए कि क्या होने जाएगा, नीतीश जी पे भरोसा है कि नहीं है, वो क्या क्या शब्द का प्रयोग करेगी जो हम लेना नहीं चाहते। और मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो, बताइए मोदी जी के गारंटी वालों, बताओ बताइए पलटे हैं कि नहीं पलटे हैं मोदी जी का गारंटी। खैर हमको इसकी चिंता नहीं है, सम्राट चौधरी जी विजय सिन्हा जी जब जहां चेयर पे थे, व्याकुल मत होइए, खूब जोरी है आप लोगों का, कमाल का, लगे रहिए। लेकिन आप लोग तो क्या क्या बोलते थे अब उस पर तो हमको बताने का जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं कि बतवा क्या दोबारा तिवारा जो है रटा जाए कहा जाए इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जी आदरणीय हैं, कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते यार, इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। अरे भाई हम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आप मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़ा दल हमारा है, कम से कम एक बार बुला के बोल देना चाहिए कोनो आपको हम कुछ कहते हैं, आप बताइए हम आपको कुछ कहे हैं, कितना अच्छा हम लोग बातचीत करते थे, हर चीज करते थे। लेकिन अब चलिए ठीक है, अच्छे पल को तो हम जिंदगी भर याद करेंगे, सुजोग को रखेंगे, उसमें हमारे मन में कोई खोट नहीं, और हम लोग एकदम मजबूती के साथ छुट्टा गाड़ के खड़े हैं कि आपने जो संकल्प, महोदय मुख्यमंत्री जी आज तो आपसे हम कह ही सकते हैं, आप तो बुलाए नहीं, खुद ही चले गए गवर्नर हाउस, लेकिन आज हम इतना तो आपसे कह सकते हैं ना, इतना बात तो कह सकते थे कि आप बुला लेते हम लोग बात कर लेते, नहीं है ठीक है तो उसका भी व्यवस्था कर देते, अगर हमारे सरकार से हमारे मंत्रियों से दिक्कत है तो फिर से बाहर से समर्थन दे देते और कोई माइक का लाल हिला देता उस सरकार को। मन में शंका मत पालिएगा, जब हमने आपसे कमिटमेंट कर दिया था तो मन में कभी भी शंका, आपके मन में भी हम बोलते थे कोई कंफ्यूजन होगा तो बुला करके बात कर लीजिए, दूर कर लीजिए, क्यों, क्योंकि हम आपको अपना परिवार समझते हैं, हम लोग समाजवादी परिवार के हैं मुख्यमंत्री जी, और इसको ध्यान में रखना चाहिए, विजेंद्र जी विजय जी सब लोग को बात रखना चाहिए। और हम कहना चाहते हैं जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा, ये कोई पहली बार नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं है मुख्यमंत्री जी जो आप लोगों के साथ हम लड़ रहे हैं अकेले, हमारे साथ कांग्रेस है, माले है, महागठबंधन हम लोगों ने बनाया था 2020 में, और 20 में तो क्या रिजल्ट हुआ था उसी का ना पीड़ा आज मुख्यमंत्री जी का कि तीसरे नंबर का पार्टी हो गए, और चर्चा तो बाजार में भी चल रहा है। आप मुख्यमंत्री जी एक और पूरी बिहार की जनता मीडिया के साथ ही है, अरे कब्जा छुड़वाने चले थे अब तो खुद ही कब्जा इनपे हो गया, अब देख लीजिए, लेकिन मीडिया जितने मीडिया के लोग हैं, अरे कब्जा ना हो गया है हाँ, आप लोगों पर कुछ लिखने देगा कुछ बोलने देगा तो अब
तो कब्जा आप ही पे हो गया है। खैर जो भी अमित शाह जी कहते रहे, हमारा तो दरवाजा बंद है। खैर उनका क्या, उनके बात में दम है, बात में दम है। खैर हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, और हम लोगों ने 17 महीने काम कर करके दिखाने का काम किया है। नौकरियां तो निकल ही रही है, और कई बार मुख्यमंत्री जी जब हम आपसे मिलने गए थे, जब सरकार बनाना था हम लोगों को, तो मेरा सबसे पहला कंडीशन, विजेंद्र जी आपको याद होगा, हम बोले थे कि हम अगर आपके साथ आएंगे तो भाजपा के रोकने के लिए तो आएंगे, लेकिन साथ में आप हमको विश्वास दिलाइए कि हमने जो जनता से हमने कमिटमेंट करने का काम किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, आप वो करवाइएगा अपने नेतृत्व में। मुख्यमंत्री जी बोले हो जाएगा हो जाएगा, और दूसरा दिन अपने अधिकारी को भेज देते हैं, जब हम लोग ओथ ले लिए, अपने एस सिद्धार्थ जी होंगे, ठीक है विजेंद्र जी, विजय जी ठीक है ना, वित्त मंत्री थे ना आप, तो वित्त सेक्रेटरी थे उस समय सिद्धार्थ जी, तो सिद्धार्थ जी को भेजा गया, बहुत काबिल अधिकारी है, बहुत सम्मान है हमारा। तो सिद्धार्थ जी आकर के हमारे पास बोलते, हम बोले मुख्यमंत्री जी को क्या हुआ नौकरी का, क्या हुआ, दीपक जी को बोले, मुख्यमंत्री जी को बोले, विजय जी को बोले, सब बोल रहा है कि आपने वादा किया था चुनाव में, हालांकि हम तो सीएम बने नहीं कि हम 10 कट कर देते, लेकिन उप मुख्यमंत्री बने, फिर भी हमारे पर जिम्मेदारी थी, फिर भी हमने शांति को बोलिए, बात को कई बार जो है कहा, तो उसके बाद फोन आता है और कहा जाता है कि सिद्धार्थ जी जा रहे हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी है, मुख्यमंत्री जी के भी प्रधान सचिव है, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। सिद्धार्थ जी आते हैं, फाइल दिखाते हैं, कैसे होगा सर, कुछ नहीं है पैसा, कैसे होगा, हमने बोल दिया किसी भी हालत में ये काम हम लोगों को करना है। आप असंभव बोलते थे, आप मेरे पिताजी को बाप का पैसा ला करके दिलाएगा, लेकिन ये 17 महीने में कहां से एक विभाग में एक दिन में 70 दिनों के अंदर 2 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी कैसे मिला। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल पावर होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी जो थके हुए मुख्यमंत्री थे उनको हमने दोहराने का काम किया। तो हम लोग सही बात बोलते थे, बोलिए कि जातीय जनगणना, जातीय आधारित गणना के बारे में यही ना हाउस से हम यही ना बैठे थे, यही से ना हमने प्रस्ताव किया था, हालांकि आप पहले से मांग करते रहे, हमारे पिता भी मांग करते रहे, खाली भाजपा वाले को छोड़ के, सही बात है कि नहीं। और आप बताइए ना क्या क्या भाजपा वाला लोग बोलता था उस समय, हाँ सॉलिटर जनरल कौन है वहाँ बड़ा महाधिवक्ता, क्या नाम है उनका, सुप्रीम कोर्ट में करा दिया था रोकने के लिए, तुषार मेहता को खड़ा कर दिया था, जो हम लोग जाति आधारित गणना करा रहे थे। तो आप तो जानवे ना करते हैं, सब बात जानते हैं, फिर भी वहां चले गए। अब बताइए कर्पूरी जी को मिला हमको तो बहुत खुशी की बात है, कर्पूरी जी को मिला, आप कर्पूरी जी के साथ, हमारे पिता के साथ आप काम कर चुके हैं, आप उस वक्त थे, हम भले मेरा जन्म ना हुआ हो या हम बहुत छोटे होंगे, लेकिन आप तो जवान थे, आपको तो ये पता था कि कर्पूरी जी जब आरक्षण बढ़ाए थे, उनकी सरकार थी तो जनसंघ जो था उस सरकार में था, जब कर्पूरी जी जब आरक्षण बढ़ा दिए तो यही जनसंघ वाला ही ना कर्पूरी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया, कौन हटाया, और आप कहां बैठ गए, आप कर्पूरी जी का नाम लेते हैं और आप कहां बैठ गए मुख्यमंत्री जी, और वही जनसंघ वाले भाजपा वाले कहते थे, क्या बोलते थे, आरक्षण कहां से आई, कहां से आई, कर्पूरी जी तो हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ये बोलते आप हैं, और आप कहां चले गए मुख्यमंत्री जी, बताइए, हम अगर गलत बोल रहे तो इस बात को बताइए। विजेंद्र जी, विजय जी, आप लोग सब लोग उस समय रहे हैं भाई, सब लोगों ने नेतृत्व में काम किया है, हालांकि पता नहीं उस समय विजय जी शायद कांग्रेस में थे,
लेकिन मन से ये समाजवादी भी रहे हैं, तो इतना सब लोग का सहयोग रहा, कर्पूरी जी को भारत रत्न मिला, तो ये लोग तो भारत रत्न डील बना लिया, डील करने के लिए हमको वोट मिलेगा और डील कर लो, भारत रत्न दे देंगे, भारत रत्न दे देंगे, डील कर लो। सम्मान नहीं करते आप लोग, डीलिंग करते हैं, डीलिंग करते हैं। भाजपा के लोग सम्मान नहीं करते, डीलिंग करते हैं, केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए करते हैं। और हम लोगों ने कितना आरक्षण बढ़ा दिया, 75%। लालू जी का जब सरकार था तो उस समय शायद 12 या 14% था, राबड़ी जी के सरकार में 18% हुआ। उसके बाद जो है आप आए तो और बढ़ गया, हम लोग आए तो 75% तो हम लोग ले ही गए, लेकिन 24 के आसपास जो है अति पिछड़ों का आरक्षण जो है वो मिला। तो हम लोग तो ये सब काम करते रहे, और हम लोग विचारधारा को मानने वाले लोग, हम लोग सिद्धांतवादी लोग हैं। एक जगह खड़े रहते हैं तो मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, इधर उधर हम लोग नहीं करते। तो इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, हमको किसी बात का डर नहीं, फिक्र नहीं। हमारे पिता लालू जी है और उनका खून मेरे अंदर, हम लालू जी का बेटा है, इन सब चीजों से घबराते और डरते नहीं है, संघर्ष करते हैं और लड़ते हैं। तो हम लोग लड़ाई जो है लड़ने का काम करेंगे। और आप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि उधर चला गया, जब इस्तीफा देकर के आए थे गवर्नर हाउस से, तो ये बात तो बोले कि मन नहीं लग रहा था, दूसरा बात ये बोले कि क्रेडिट ले रहा था, मेरा डिपार्टमेंट विभाग आरजेडी का, हमारे मंत्री, हम लोगों ने नौकरी दिया 17 महीने में, पहले तो नहीं मिलता था, तो क्रेडिट क्यों ना ले। एक मिनट, अब आप लोग सरकार बना लिए, एक मिनट सुनिए ना भैया, सुन तो लो, सुनना ही नहीं चाहते, आप ही के हित में बोलना चाह रहे। तो आप बोले क्रेडिट का, सम्राट जी विजय सिन्हा जी, ये हम आप लोग को पहले सचेत कर दे रहे हैं, सचेत इस बात का करें कि महागठबंधन की सरकार तो हम लोग नहीं रहते तो फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनते। लेकिन एक बात समझिए, अगर आप लोग अभी सरकार में है, जो काम होगा उसका क्रेडिट नहीं लीजिएगा। तो मुख्यमंत्री जी, हम लोग 17 महीने जब थे सरकार में तो उसका क्रेडिट क्यों ना ले, आप लोग बताइए क्यों ना ले। अब आप लोग सरकार में आए, भाजपा के लोग नीतीश जी बोलेंगे कि नहीं क्रेडिट नहीं लेना, क्रेडिट केवल मेरा, तो आप लोग क्या कहिएगा, क्या कहो, क्या कहिए। अरे भाई शांति शांति, हम लोग पिछला जब सत्र चल रहा था, उपाध्यक्ष महोदय जब पिछला सत्र चल रहा था तो मांझी जी अपनी बात को रख रहे थे तो मुख्यमंत्री जी जो है गुस्सा में तो आए, लेकिन उसके बाद मांझी जी का रिएक्शन बाहर हुआ था मुख्यमंत्री जी। अब बाहर जाके बोले थे कि आपको जो है कोई गलत सलत दवा खिला देता है, बोले थे, हम नहीं बोले, गलत सलत दवा खिला देता है और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको जो है इलाज कराना चाहिए था, बोले थे कि नहीं बोले थे मांझी जी। अब हमको पूरा मांझी जी पे भरोसा है कि अभी अच्छा दवाई कराएंगे। मांझी जी ख्याल जरूर करिएगा, वो आप बड़े हैं, आपका सब जवाब मेरे यहाँ, कोई नहीं जरूर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं हमको, तो आप दवाई अच्छे से खिलाइए पिलाइए और थोड़ा बगले में कमरा ले लेते, जाके ले लीजिए, अगर जाए सच में अगर चिंता है तो आप कमरा ले लीजिए, वरना आज अगर आप बोलिएगा तो अपना वचन वापस ले लीजिएगा जो मुख्यमंत्री जी के बाहर बाहर बोले। नहीं आप बोलिएगा ना, आपका बारी आएगा। अरे अरे बैठिए,
आपको मौका मिलेगा माननीय सदस्य, बैठ जाइए, मौका मिलेगा आपको, आपको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, बैठ जाइए आप, आपको मौका मिलेगा, आप बोलिएगा बोलिएगा, अच्छा से बोलिएगा, बैठिए। अरे कोनो नया बात बोलिए ना, वो हट गए तो हमने उनको बोल दिया, तो उस साथ आ गए तो हमने तारीफ कर दिया, वो उधर चले गए तो हमने बुराई कर दिया, तो कौन नहीं करता, सब तो कर ही रहा है, अरे कौन नहीं कर रहा है, इसमें नया बात क्या बोल रहे हैं, हम तो चिंता की बात ना कर रहे हैं, कि आपको अगर सही में चिंता है तो बगल में कमरा लेकर के ठीक से दवाई कीजिए, नहीं है तो अपना शब्द वापस, हम तो यही कह रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई बुरा बात लगने वाले बात नहीं है, हम तो छोटे हैं, बड़ा आपका हृदय है, इतने बुजुर्ग है, हमारे अभिभावक है, बच्चा कोनो गलती गलती करता है तो क्षमा कर देना चाहिए, दिल बड़ा रखिए, तो इसमें नहीं कहना, अब हमको तो बच्चे ना बोल रहे थे, अब कंक्लूड कीजिए माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय बोलने दीजिए, आज ही तो मौका मिला है ना, आज ही ना मौका मिला, इसके बाद तो हम जनता के बीच है, जो हमारी मालिक है जनता, सदन कैसे चलेगा तो हमको पता है, क्योंकि भाजपा का शायद स्पीकर है आने वाला जो भी होगा, तो सदन कैसे चलेगा तो हमको पता है, तो कोई मतलब नहीं, हम तो जनता के बीच रहेंगे, काम करेंगे, जनता के बीच रहेंगे, तो उसकी हमको कोई चिंता नहीं, तो इसलिए हम सब लोग जो है इस बात को ध्यान रखे कि हम सब लोग यहाँ है तो बिहार के हित के लिए, बिहार के तरक्की के लिए, और स्थिरता जब तक नहीं रहेगी कोई सरकार में, जब तक कोई स्टेबिलिटी नहीं रहेगी सरकार में, तब तक विकास संभव नहीं है, और हमको तो पीड़ा होती है जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के प्रति, इस बात के लिए कि मुख्यमंत्री जी तो इधर से उधर भाग गुना कर लेते हैं, जो करना है कर लेते हैं, लेकिन जनता के बीच तो आप विधायक के लोग ना जाकर के जवाब देगा, आप ही लोग ना दीजिएगा, अब आपसे कोई पूछेगा काहे बताओ नीतीश जी 3 बार शपथ लिए तो क्या बोली, तू गरियात रहला पहले, अब तू बढ़ाई करत रह, क्या बोलब, हमने नौकरी दिया ही कहेंगे, क्या बात कर रहे हो, तो दूसरा एक विधायक अगर मेरे को झुटला दे कि हम सच बात बोल रहे, भाजपा का लोग का तो शपथ ग्रहण जब हुआ उससे एक दिन पहले ही सारा ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया, अब तो यही बोलेंगे मुख्यमंत्री जी, अरे अभी तो हुआ, आप तो कहले नाम दे रहे, खैर बात अलग है, तो अफसर शाही, अरे हमको क्या है, अब बोलेंगे वो नहीं किए कर दिए तो भी खुश, नहीं भी खुश, आप लोग अपना चिंता कीजिए, तो एक बात समझिए, अफसर शाही इतना हावी है, अफसर शाही इतना हावी है कि हम नहीं आप ही लोग बोलते रहे, अरे सब फुटेज है, कौन कौन बोला है सबका फुटेज है, सब दिखा देंगे, ये तो सम्राट चौधरी जी शपथ से पहले दिल्ली में इंटरव्यू दे कहते जरा फिर से देख लीजिएगा, हमको बोलने की क्या जरूरत, सब तो अपने आप लोग बोलते हैं करते हैं, तो हम इतना कह रहे मुख्यमंत्री जी कि कुछ भी लोग किया, भाजपा इतनी डरी हुई थी हमारे गठबंधन से, महागठबंधन से, आज मजबूरन देख लीजिए कुछ भी लोग इवेंट मैनेजमेंट करते रहे हो, कुछ भी धर्म के नाम पे राजनीति करते रहे हो, लेकिन हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा किसी को डर भाजपा को था तो बिहार से डर था, आपसे डर था, हम साथ थे उसका डर था, हम दिल से बोल रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी शांति शांति, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप हम जब हेल्थ मिनिस्टर थे तो 2-3 कैबिनेट से फाइल अटका पड़ा है भाई, हेल्थ पब्लिक हेल्थ कैडर का,
जिसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों का हमने बोल दिया कि 130,000 लोगों का वैकेंसी का है, वो करवा दीजिए। कितना बार हम फोन करें, मेरे पास मैसेज है विजय जी को, मैसेज के सब रिकॉर्ड में है। प्रत्यय अमृत आपके होनहार अधिकारी है, उनसे पूछिए, दीपक जी से पूछिए। हम आपको कई बार बोले, विजेंद्र यादव जी को बोले, विजय जी को बोले कि कम से कम ये वाला पब्लिक हेल्थ केयर जो हम कर दिए हैं और ये कैबिनेट ही भी नहीं आ रहा है, कम से कम इस पे तो कीजिए, लोगों को बहाली होगी, रिक्त पदे हैं, भरा जाएगा, काम किया जाएगा, मैसेज लोगों को अच्छा जाएगा, यही तो एजेंडा था। तो हम तो देखिए ना, आप लोग अगर 12,000 वोट के अंतर से छल कपट करके जीत के 2020 में आए तो 5 साल का ना था, 5 साल में भी तो 3.5 साल चल रहा है, उसमें से हम लोग 17 महीना रह लिए, उसमें 17 चोर। अच्छा भैया, चोर दरवाजे से अगर हम घुसे तो चोर का दरवाजा किसने खोला? अरे बता भाई, माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें, 4 बजे तक समय है। आप लोग छोड़िए ना, आप लोग को तकलीफ होगा, जब पीड़ा मिलेगी वहां से तो तेजस्वी खड़ा होगा, समझे। और आज हमारे प्रहलाद जी सबसे बुजुर्ग शांति देर नहीं, बिहार की जनता सुनना चाहती है, जानना चाहती है कि 9 बार शपथ आप क्यों लिए, 1 साल में 3 बार शपथ क्यों लिए। लेकिन हम तो यही ना खाली कह रहे कि भाई जो प्रहलाद जी है, हम आपका धन्यवाद करते हैं, कितना दिन तक आपने पार्टी का झंडा बुलंद करके रखा, और आप स्वस्थ रहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार से यही आग्रह होगा कि जो आपका बात हुआ है उस पे वो खड़े हो, कोई आए ना आए, जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा। ठीक है, समाप्त किया जाए, याद कीजिएगा, मेरा छोटा भाई चेतन जब थक थका करके कहीं आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो हमने टिकट इसको दे करके जिताने का काम, और इनके पिता के गुण पे नहीं, इनके गुण पे। नौजवान लोग रोड मैप है, लंबा चलना, नया टीम बनाना है, नौजवानों को हम लोगों ने टिकट दिया, नौजवान आए राजनीति में, राजनीति करे, सकारात्मक राजनीति करे, बिहार को आगे लेकर के जाए। थका हुआ लोग नहीं चाहिए था हमको, लेकिन हमको पता है क्या क्या मजबूरी है, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत दिनों से पीड़ित है, और इस पीड़ा में कहीं भी रहे हम इसके साथ हैं। और नीलम जी, जो आप महिला हैं, आपने जो निर्णय लिया हम स्वागत करते हैं। शांति बस, दो मिनट हम कंक्लूड करेंगे। नीलम जी आप महिला हैं, हम आपके निर्णय का स्वागत करते हैं, बात बने ना बने बाद में हमको जरूर याद कीजिएगा। और एक काम और, मुख्यमंत्री जी हमने फाइल कर दिया था, आगे भी बढ़ा दिया था, विजय बाबू देख लेंगे, देखते ही रह रहे, अभी तक फैलवा करवाएंगे नहीं के कैबिनेट में। तो जीविका लोगों का तो आशा दीदी लोग का मानदेय वाला करवा दीजिएगा, आशा ममता, हम लोग के सरकार में हम लोग सबका राय बना था, जिसमें जितने आप लोग सब लोग मीटिंग में थे, सब लेफ्ट के पार्टी सब नेता को आप बुलाए थे, इसमें आपका भी निर्णय था, हम नहीं मना कर रहे, आपका काम किया है उस पर हम उंगली नहीं उठा रहे, आपने काम किया, मानदेय बढ़ाया, हम लोग का भी साथ रहा, हमने भी बोला कि भाई ये कर रहे हैं, ये भी कीजिए, जो जितना मुंह था उतना हम कहते थे, इज्जत और सम्मान, ठीक है। अपने मुंह से ज्यादा हम नहीं कहते थे, तो हम तो एक
एक चीज और, शांति शांति शांति। अब हम कंक्लूड करेंगे बस। अब आप लोगों की सरकार बनी है, आप लोगों की जो सरकार बनी है, हम यही कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार जो है, हमारी मांग है कि ओल्ड पेंशन नीति को आप लोग जरूर लागू कराइएगा। सम्राट जी, इधर उधर सिद्धार्थ जी को ना भेजा जाए, सिद्धार्थ जी का मत सुनिएगा। ओल्ड पेंशन नीति आप करवाइए, क्रेडिट हम आपको दें। ओल्ड पेंशन, और अब तो विजेंद्र जी को जब भी देखते हैं तो हमको केंद्र का योजना में कितना घटौती कर दिया बिहार के लिए वही याद आता है। केंद्र से का नहीं किया, वो किया, चक जम के बोलो ये किया वो किया, तो ये सब ठीक है, लेकिन अब क्या इस पे जाए। अब मुख्यमंत्री जी तो आग बबूला हो जाते थे कैबिनेट में, कोई भी प्रस्ताव में अगर केंद्र का जितना भी अंश था, शेयर था, अगर केंद्र का नाम आया तो भाव उसको फाइल हटाओ, कौन लिख दिया हटाओ, केंद्र कोई मदद नहीं करता है। तो आप जरूर मुख्यमंत्री जी जो है, केंद्र जो पैसा दे, हमको पता है कि कहाँ दे रहा है बिहार, लेकिन कुछो देता है तो वो मोदी जी के पॉकेट का नहीं है, बिहार के लोगों का है, वो जरूर लीजिएगा, इसमें कोई नहीं। आज जिसको भी स्वास्थ्य मंत्री बनाइएगा, प्रत्यय अमृत जी से पूछ लीजिएगा, एक कार्ड बनता ना जिसका मोदी जी प्रचार करते हैं, बिहार का भी वैसे ही योजना हम लोग लाए हैं कि जो मजदूर बाहर रहेंगे उनका 5 लाख तक का जो है तुरंत। अब क्या होता, पहले रिवर्स होता था, इलाज करा लो तो पैसा अपना दो, फिर बाद में पैसा भंजाते रहो, इसमें क्या पहले ही पैसा इमिडिएटली जो है मिल जाएगा। ये सब काम करा दीजिए, बाकी डबल इंजन की सरकार हो गई है आप लोगों की, तो हमको पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी से आप मिले होंगे तो आपने विशेष पैकेज की मांग की होगी, लेकिन विशेष पैकेज नाम देकर के अंदर गुब्बारा नहीं होना चाहिए, और कम से कम विशेष राज का तो दर्जा दे दे। हम लोग तो निकलने वाले थे ना कि बिहार को विशेष राज का दर्जा मिलेगा, चलिए आप नहीं कीजिएगा, अब तो आप पे तो सब लोग कब्जा ना कर लिया है, उसको हम ही आगे हम लोग लड़ेंगे, काम करेंगे। ठीक, कृपया समाप्त करें। अध्यक्ष महोदय, हम सभी अपने महागठबंधन के साथियों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि इस लड़ाई में आप लोगों ने हम लोगों का साथ देने का काम किया है, और आप सब लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मुख्यमंत्री जी स्वस्थ रहिए, कभी कोई बात होगा भी, अगर कोई बात हो तो हम हाजिर है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन ये सब काम जरूर की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माननीय सदस्य, शांति शांति शांति। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज बिहार विधानसभा के इस सदन में बदले हुए चेहरे और बदले हुए भाषा जो सदन में बयान कर रहे थे, उनका यही हाल रहा कि अपनी बात रख देना, किसी का सुनना नहीं और सदन छोड़ के चल देना। और इन्होंने कहा कि एक पंचवर्षीय में 3 पद मिला 3 बार, तो मैं बता दूं कि जो भी मिला पार्टी के हमारे नेतृत्व, गठबंधन के नेतृत्व ने जो भी जिम्मेदारी दिया, हमने ईमानदारी से निर्वाहन करने का प्रयास किया, लोगों के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास किया। मैं बता दूं उपाध्यक्ष महोदय कि राजनीति रूपी रंगमंच पर विधायिका को किस तरह से अपमानित कर करके बंधुआ मजदूर बनाने का माहौल खड़ा कर करके
आज बिहार के अंदर जो संदेश दिए कि हर दल के लोग अपने अपने विधायकों को लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में अपने विचार रखने के लिए कहीं न कहीं आग्रह किया, आज उसका असर भी दिखाई पड़ा कि आप एक परिवार के हर पद पर आपकी हिस्सेदारी, आपकी दावेदारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आप रहे, मुख्यमंत्री भी आप रहे, उप मुख्यमंत्री भी आप रहे, स्वास्थ्य विभाग से लेके बड़े विभाग पर आपकी दावेदारी। और हद तो तब हो गई कि पांच विभाग अपने जिम्मे रख लिए, कोई विधायक इस लायक नहीं था जिसको विभाग दिया जाता अपने दल का, यहां तक कि गठबंधन की हिस्सेदारी भी मार ली गई। महोदय महोदय, ये बंधुआ मजदूर की मानसिकता वही अपनाता है जो परिवारवादी वंशवादी लोग होते हैं, जो भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति कमाते हैं, जो व्यक्ति अपने को समाजवादी परिवार के कहते हैं। अरे समाजवाद का ये चरित्र नहीं रहा। मेरे बगल के भी सरदे कपिल देव बाबू बरहिया से आते थे, सरदे कर्पूरी ठाकुर जी को भी हमने देखा था बरहिया में जब गोली कांड हुआ था, पिताजी शिक्षक थे, साथ में देखने गए थे। क्या सादगी थी, क्या सरलता था, क्या सहजता था, क्या ईमानदारी था, ये समाजवाद का चरित्र था। समाजवाद का चरित्र ये नहीं था कि अरबों का मालिक बन करके अपना बर्थडे चार्टर्ड विमान पर मनाएं, ये समाजवाद का चरित्र कहां से आ गया। कथनी करने में जिसकी समरूपता नहीं रहे, महोदय सत्ता के लिए समझौता करने वाले लोग, मैं तो पहले भी सत्ता में मंत्री के रूप में एनडीए को जनादेश मिला था, हमारे मुख्यमंत्री यही थे, जनता के जनादेश का इन्होंने सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री के पद को ग्रहण करके विकास की गति को बढ़ाया था। विकास की गति बढ़ रही थी, आसन पर हमें बैठने का सौभाग्य भी दिए थे। और मैं बता दूं कि मैं इस आसन पर बैठ करके सत्ताधारी दल के लोगों के भी आक्रोश को झेलकर नेता प्रतिपक्ष को लोकतंत्र की मर्यादा का रक्षा करते हुए बोलने का मौका देता था, क्योंकि आसन कहीं ना कहीं सदन का संरक्षक है। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष हमें बनने का मौका मिला तो 55 मिनट के वक्तव्य में इसी आसन पर बैठे व्यक्ति 113 बार टोका टोकी करके डिमोरलाइज और डिलेल करने का मानसिकता प्रदर्शित किए। ये लोकतंत्र के संरक्षक कतई नहीं हो सकते। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे इन्होंने इतना बखान किया, मुख्यमंत्री जी अरे आप पर दया किए, जंगल राज लाने वाले को जनता राज कह करके सुधरने का मौका दिए, लेकिन नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता। जिसकी लूट की मानसिकता हो, जो परिवारवाद वंशवाद को पोषित करता हो, विधायकों का अपमान करता हो, बंधुआ मजदूर के तरह पांच पांच बार छह छह बार माननीय प्रहलाद यादव जी जैसे लोग एक मजबूती के साथ आवे, उनको कोई सम्मान नहीं, कई लोग बैठे हैं उसका अपमान करिए। लोकतंत्र है, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लोकतंत्र में गरीबों की ताकत से, गरीबों के आशीर्वाद से वो राजगद्दी प्राप्त करता है। और आज वंशवादी के कारण विवश होकर के इनकी प्रताड़ना को हमने देखा है, किस तरह से जलील। और ये तो एक उदाहरण है, बैठे हैं कई विधायक, मैं अध्यक्षता उनके पीड़ा आती थी, कई लोग को उनमें क्षमता, उनमें महत्व ताकत रहते हुए ऐसे लोगों को महत्व नहीं दिया, उनके दर्द को हम लोगों ने सुना और हमने कहा ये लोकतंत्र का मंदिर है, मुझे बिहार को बचाना है,
मुख्यमंत्री जी ने सुधरने का अवसर दिया, नहीं सुधरा। यही आसन है नेता प्रतिपक्ष के नाते। हमने आग्रह किया था मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी आपने जिसको सत्ता में लाने का अवसर दिया उसका नेचर नहीं बदला, आज राहुल साहनी की हत्या कर देता है, उस पर FIR होने नहीं दे। और आपने कागज लेकर के जब कार्रवाई की बात किए तो अगले की छटपटाहट, परेशानी और हंगामा और ब्लैकमेलिंग का भाव को आपने ठुकरा करके ये जता दिया, आपने बता दिया कि न मैं अपराध से समझौता करूंगा, न भ्रष्टाचारियों से समझौता करूंगा। अपराध भ्रष्टाचार के विरुद्ध आपका जो मिशन था, आपने उस मिशन को फिर से साबित करके ये बता दिया कि बिहार की जनता की आंसू नहीं बहने देंगे। जनादेश NDA का था, NDA तब भी सत्ता में थी, NDA आज भी सत्ता में है। और अध्यक्ष महोदय, मैं बता दूं, अभी बोल रहे थे मैं जिम्मेवारी निभाऊंगा जनता के प्रति। अरे 5 वर्ष आपको नेता प्रतिपक्ष का अवसर मिला, आप बता दें कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में कितने लोगों के आंसू पोंछने के लिए, क्योंकि विपक्ष की जिम्मेवारी होती है सरकार को सजग करना, जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना। 500 दिन के सफरनामा विपक्ष में 341 बार लगातार हमने किसी न किसी जिले के अंदर लोगों की आंसू पोंछे और उसकी समस्याओं के लिए सरकार तक आवाज पहुंचाई, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप तो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। आपको तो पूरी तरह से दो दो पूर्व मुख्यमंत्री का कहीं ना कहीं एक अहंकार भरा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार से करोड़ों संपत्ति अर्जित करने वाले लोग पर जब कार्रवाई होती है तो भ्रम फैलाते हैं माहौल को, अरे हम ईमानदारी से काम करेंगे, कोई भी आके जांच कर ले, कोई भी किसी तरह का हमसे प्रश्न पूछेगा हम जवाब देंगे, हम रोएंगे नहीं, भटकाएंगे नहीं। आज नियुक्ति के नाम पर घोटाला करने वाले, नियुक्ति के नाम पर जमीन लिखाने वाले, नियुक्ति के नाम पर प्रतिभा का हनन कर करके किस तरह से माहौल खड़ा किए, आज उस परेशानी को, उस झमेला को झेल रहे हैं। कहेंगे मैं बच्चा थे तो इतनी संपत्ति आया कहां से, और जिसने आपको संपत्ति दे करके आपको बर्बाद करने की कहानी लिखा, आपने क्यों नहीं सच को बता देते। बिहार को बचाना है, बिहारी के गाड़ी, विकास की गाड़ी को बढ़ाना है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारी सांस्कृतिक विरासत का अपमान किस तरह से किया जाता है, बार बार आस्था पर चोट किया जाता था, बार बार रामचरितमानस पर प्रश्न उठाया जाता था, बार बार सनातन के संतानों को अपमानित और कलंकित करने का खेल खेलता था। और आप सत्ता में, सत्ता की मलाई खाने में इतने अंधभक्त हो चुके थे, मुख्यमंत्री जी बार बार रोकते थे कि किसी भी धर्म का अपमान नहीं होगा, लेकिन आप बार बार एक खास समुदाय के लोगों को अपमानित करने का, हमारे आस्था के सबसे बड़े केंद्र बिंदु भगवान राम पर, रामचरितमानस पर प्रश्न उठा करके आपने सत्ता के लोलुपता को प्रदर्शित किया। क्या जिम्मेवारी आपने निभाया? महोदय, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी ने और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मिलकर के बिहार की दशा को, दुर्दशा को देख करके, अपराध और भ्रष्टाचार जो जंगल राज वाले लोग गुंडा राज में तब्दील कर रहे थे, मैंने बार बार नेता प्रतिपक्ष के नाते आवाज उठाता था, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर बताता था, सड़क पर भी, सदन में भी, कि ये लोग त्राहिमाम मचा दिया है। और हम धन्यवाद देंगे मुख्यमंत्री जी को कि आपने संज्ञान लिया, आपने उसे बता दिया कि मैं अपराधियों से और भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं करेंगे। आज ऐसे लोग जब सत्ता से बाहर गए हैं तो उनकी बेचैनी झलक रही,
सत्ता में रहते हुए मौन थे, कौन थे? माननीय उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं कि हमने किया। अब कंक्लूड, अरे बिहार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विजन था, भाजपा का, जदयू का, एनडीए गठबंधन का विजन था। 2005 से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू ही, माननीय राज्यपाल महोदय ने भी उसको पढ़ा। आपका विजन क्या था? बहाली की प्रक्रिया, 15 साल जब मिला था शासन तो चरवाहा विद्यालय से बाहर क्यों नहीं निकल सके? क्यों विद्यालय की स्थिति खस्ता कर दिए? क्यों व्यवस्था नहीं बना सके? कौन सा विजन था? नियुक्ति का मामला हो, जातीय गणना का मामला हो, मैं बता देना चाहता हूं कि जातीय गणना में ये बोल रहे हैं, है हिम्मत, खुला चुनौती देते हैं कि आपके 15 साल के जंगल राज में लोक पलायन के लिए विवश हुआ, लोग यहां से अपना कारोबार बंद किया, दूसरे राज्य में हमारा नौजवान प्रतिभा का सम्मान कराने के लिए मजदूरी करने पर विवश हुआ, निवेशक बिहार के अंदर नहीं आया, और जब आप सत्ता में आ गए तो जो निवेशक आया वो ठहर गया। आपका यही उपलब्धि है? आपने आज मुख्यमंत्री जी ने जातीय गणना के तहत आर्थिक और शैक्षणिक सर्वे भी कराया, 34% लोग, 94 लाख परिवार 6000 से कम आमदनी है। अब जहां 6000 से कम आमदनी का हमारा बिहारी सामते, वहां पर ये चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाते हैं, क्या यही समाजवादी का चरित्र था? महोदय, है हिम्मत तो 6000 से कम आमदनी वाले को प्राथमिकता के आधार पर हर जगह, चाहे नौकरी हो, नियोजन में हो, या आपको उनको अनुदान में हो, रोजगार में हो, पहली प्राथमिकता में ये खुल करके साथ दें। गरीबों के प्रति जिम्मेदारी है। देश के प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा कि कोई जातीय उन्माद नहीं चलेगा। चार जाति है, गरीब है, किसान है, महिला है, युवा है। अरे गरीबों के प्रति हमदर्दी है, हर जात में गरीब है। आप उस जात के गरीबों के प्रति आप ईमानदारी से चलो, अपराधियों को, माफियाओं को आप संरक्षित मत करो। आपके राज में कितने अपराधी पैदा हुए थे? जब जंगल राज था, हर नौजवानों के हाथ में हथियार देकर अपराधी बना दिया था। एनडीए की सरकार में एक भी नया अपराधी पैदा नहीं हुआ। जो अपराधी था उसे भी सुधरने का मौका मिला, उसे भी शांति से जीने का अवसर मिला। महोदय, ये लोग की करनी कथनी में कहीं से समरूपता नहीं है। मैं तो कहना चाहूंगा कि क्रेडिट की बात करते हैं, नो विजन है, नो नियत है, नो नीति है, नो सोच है। आराम से बढ़े पले लोग जमीन पर लड़ नहीं सकते, और जातीय उन्माद से सत्ता नहीं बदलेगा। हर बिहारी को अपमानित करने का काम किसने किया? हर बिहारी अपने को एक गाली के रूप में कैसे स्वीकारता है? मैं तो कहना चाहूंगा तमाम बिहार के लोगों को कि हर बिहारी सारे जातीय बंधन को तोड़ करके एक अच्छे लोगों की जमात बना करके फिर से बिहार के गौरव बढ़ाने के लिए, बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए एक बार आगे बढ़े। और जो श्री बाबू से यात्रा शुरू हुई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक, विकास का, अपराध मुक्त बिहार और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार का संकल्प लें। हम तो हर नौजवानों को आपके आसन से ही बैठे थे, मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत किया था, और कहते मुख्यमंत्री जी क्रेडिट नहीं। अरे हम तो आसन से जब जब कहे कि मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री आना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी राष्ट्रपति को लाना चाहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को इन्होंने बढ़ करके मदद किया था, सहयोग किया, ही तो उत्साहित करते हैं कि करो ऐसा अच्छा काम। और उपाध्यक्ष महोदय, अंत में यही कहेंगे कि जब तक मनुज का सुख भाग नहीं सम होगा, खत्म न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। राजद के अंदर करोड़ों का मालिक विधायक को अपमानित करे, जनता बेहाल रहे, प्रतिभा का हनन करे, अरे जातीय बंधन को तोड़ करके जाति मुक्त बिहार और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का संकल्प लेकर हम बढ़े, नए बिहार बनाए, एक नए वातावरण में जो भी भूमिका मिली है ईमानदारी के साथ कदम बढ़ाएं। यही आग्रह है
बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी माननीय सदस्य से आग्रह करते हैं कि चूंकि समय बहुत हो गया है इसलिए 2 से 5 मिनट के अंदर भी अपनी बात रखें, समय काफी हो गया है। अब मैं माननीय सदस्य श्री शकील अहमद खान से आग्रह करता हूं। क्यों मेरी बातें अध्यक्ष महोदय, मेरी बातें आपको बुरी लगती हैं क्या? देखिए, मैंने अपने पहले भाषण में ही ये बात कही थी और ये बात कही थी कि कभी कभी इतिहास का वो ऐसा दृश्य आता है जहां जीत में भी हार दिखती है। आप तमाम लोगों के चेहरों पे जीत तो गए हैं लेकिन शर्म से निगाहें झुकी हुई है क्योंकि जो तथ्य पेश किए गए हैं यहाँ उस तथ्य का कोई जवाब नहीं आता। आप जवाब दे देंगे अपने तौर पे लेकिन जो इतिहासकार इतिहास लिखेगा कि आज इसी सदन में जो बातें विपक्ष की तरफ से कही गई हैं उसका कोई जवाब नहीं था। मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं कई चीजों का प्रत्यक्ष गवाह रहा हूं और जिन बड़ों के साथ मैंने इज्जत की है मैं उनकी इज्जत करता रहूंगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी, लेकिन देश राष्ट्र गवर्नेंस तो सिद्धांत से चलता है और अगर उसमें सिद्धांत नहीं है, उसमें अपनी बातों पे मजबूती से खड़े रहने का सिद्धांत नहीं है तो आपकी इज्जत तारीख में नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्रों, आप जानते हैं मैं उस इतिहास में जाना नहीं चाहता कि आपका इतिहास क्या है और उस पर यहां कई बार चर्चा हो गई। आप जिन पर इल्जाम लगाते हैं, अभी हमारे उप मुख्यमंत्री जो पहले स्पीकर थे उन्होंने कहा, तो वो अभी किसके खिलाफ बोल रहे थे कि मंत्रिमंडल में नहीं दिया? उन्हीं के खिलाफ बोल रहे थे जो सरकार में शामिल थे, तो सरकार के मुखिया कौन थे? तो आप इसका मतलब है कि कंट्राडिक्शन से भरी हुई है सरकार, विरोधाभास से भरी हुई है सरकार, आपस में इतना सिर फटौल मचाएगी कि हम आने वाले दिनों में देखेंगे। और इसीलिए कहता हूं, सचेत करता हूं आप सब लोगों को। और ये बात मैं आपको बताऊं कि हमारी महिला बहनें बैठी हुई हैं, मैंने आपके भी बयानात एक बयान के बाद देखा है, याद होगा आपको, मैं किसी एपिसोड को दोहराना नहीं चाहता, हम लोग तो डिफेंड कर रहे थे लेकिन आपको याद होगा, इसलिए इस सदन में कही गई बातें, कुछ बातें मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के बारे में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार कह दिया कि देश बदल देगा, राज बदल देगा, कई बार उन्होंने कह दिया है, कई बार अपनी मुखालफत जाहिर कर दी है। अब कंक्लूड कीजिए, साथ चले जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैं इस पटल पे बताता हूं कि जनता दल यू ने अपने मैनिफेस्टो में, अपने कई बार के जमाने में जब जब अलायंस किया, आर्टिकल 370 पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, आपने कॉम्प्रोमाइज किया। बाबरी मस्जिद के इशू पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कॉम्प्रोमाइज किया। ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज विद द इशू, ये है आपका इतिहास। आप बदलते रहे हैं अपने इश्यूज को, जब अगर आप अपने इश्यूज पे कायम नहीं रहेंगे, मंत्री बन सकते हैं, पावरफुल बन सकते हैं, लेकिन आपको ये इतिहास याद नहीं रखेगा। इतिहास याद रखेगा कि आपने अपनी कुर्सी के लिए अपने सिद्धांतों को धोखा दिया है। इसलिए मैं कहा, गालिब का एक शेर है कि तीर्थस्थान काबा हमारा तीर्थस्थान है, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तीर्थस्थान किस स्थान किस मुंह से जाओगे, शर्म आनी चाहिए, अपने पापों को धोने का समय भी खत्म हो गया। ये दोनों गठबंधन सिद्धांतहीन है, ये दोनों गठबंधन, ये कोई वैचारिक समाहिता नहीं है। आप सब लोग गवर्नेंस नहीं कर पाएंगे, लोगों की सेवा नहीं कर पाएंगे, आप पिछड़ा अति पिछड़ा दलित माइनॉरिटी जनरल सबके खिलाफ आप ये गवर्नेंस चलाएंगे, हम लोग इसको देखेंगे। धन्यवाद। 2 मिनट लाइन तो लाइन। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, आपका आभार कि आपने बोलने का मौका दिया और मैं
कॉमरेड महबूब आलम जो विधायक दल के नेता हैं हमारे, उनका भी आभार है। और आज मैं जो महागठबंधन के नेता हैं श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ अपने विधायक दल की ओर से और भाकपा माले की ओर से भी, कि आपने जिन मुद्दों को लेकर के सरकार में काम किया, रोजगार के सवाल पर, जाति जनगणना के सवाल पर, स्कूल वर्करों के जीवन को बेहतर बनाने के सवाल पर, इन एजेंडों को लेकर हम सदन के अंदर हमेशा लड़ेंगे, आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेंगे और सदन के बाहर भी लड़ेंगे, ये भरोसा दिलाते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई भी कुर्बानी की बात आएगी हम लोग आगे बढ़कर कुर्बानी भी देंगे। महोदय, ये गिनीज बुक में माननीय प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री जी का नाम जरूर लिखा जाएगा कि ये नौवीं बार शपथ लिए, लेकिन एक बुक और भी है, वो पीपल बुक, उसमें भी ये बात लिखा जाएगा कि इनके इस उल्टा पलटी ने बिहार के लाखों नौजवानों के बेहतर भविष्य की आकांक्षा का खून कर दिया। उनके अंदर रोजगार पाने की जो एक आकांक्षा पैदा हुई थी, जो काम 17 वर्षों में नहीं हुआ, वो 17 महीनों में महागठबंधन की सरकार ने बिहार में लाखों नौकरियां पैदा करके साबित किया कि सरकार चाहे तो नौकरी दे सकती है। जो लोग कहते थे कि पैसा कहां से आएगा, भगवान भी आ जाएगा तो नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन महागठबंधन की सरकार ने इसको करके दिखाया। तो वो नौजवान, वो बेरोजगार जो बेहतर जीवन की आकांक्षा में नौकरी की उम्मीद पाले हुए थे और महागठबंधन की सरकार ने दिया, न सिर्फ बिहार के नौजवानों को रोजगार दिया बल्कि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के नौजवान आकर के यहाँ पर रोजगार पाने का काम किए। ये काम महागठबंधन की सरकार ने किया। जातीय जनगणना, जातीय गणना जो हुआ उसमें ये बात साबित हुई और आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई कि भाई जो समाज का 64% हिस्सा है वो किन स्थितियों में रह रहा है, वो जो है भूमिहीन गरीब किसान हैं, खेत मजदूर हैं, बटाईदार किसान हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को बेहतर जीवन देने का प्रयास होता, लेकिन इस उल्टा पुल्टी की सरकार से कहिए कि वो प्रयास, कहा जाए कि प्रयास पर पानी फिर गया। ये जरूर पीपल बुक में ये बात लिखी जाएगी और जनता आने वाले दिनों में इसका सूद समेत हिसाब चुकाएगी एनडीए सरकार को। इसी के साथ एक बात अंत में महोदय, कि हम लोगों ने देश में अभी जो चल रहा है विपक्षी एकता का प्रयास शुरू हुआ, 18 फरवरी 23 को भाकपा माले के ग्रह में महाधिवेशन में यह मौका दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, उप मुख्यमंत्री जी गए थे, सलमान खुर्शीद साहब आए थे, कई वामपंथी दलों के नेता आए थे और उसी को प्रयास को आगे बढ़ाते हुए 23 जून को यहाँ मीटिंग हुई थी और इस प्रयास को इस उल्टा पुल्टी से धक्का देने का प्रयास किया गया, लेकिन ये होने वाला नहीं है। विपक्षी एकता और ज्यादा इंडिया गठबंधन मजबूत होकर के लोकसभा चुनाव में अपना जीत का झंडा। माननीय सदस्य सूर्यकांत पासवान, उपसभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आज विपरीत परिस्थिति में जो सरकार बनी है, हम माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और जिस रूप में आपने राज्य से लेकर देश तक में जनता से चुनी हुई, जिनको जनादेश मिला, वैसे सरकार को अपदस्थ करने का काम आपने किया है, वही खेला आपने बिहार में भी कर दिया है। आपने ऐसा किया है जिसका उदाहरण है, आपने सदन के अंदर भी 146 सांसदों का सदस्यता समाप्त करने का काम किया और महागठबंधन की सरकार ने
17 साल बनाम 17 महीना में जो काम किया, बिहार के नौजवानों को रोजगार मिला, बिहार के गरीबों को हक हकीकत मिला, उसमें आप लोगों ने पानी फेरने का काम किया है। देख रही है बिहार की जनता, आप जो स्लोगन आपका है, हम उस स्लोगन से अलग नहीं है। हम भी भगवान का नाम लेते हैं, पूरे देश के लोग भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन आप ये मत घबराइए, जो भगवान के नाम पर आप पार लगते जाइएगा, एक न एक दिन वो समय आएगा, झूठ का फुलुंदा खुलेगा। आप किसान विरोधी हरकत करते हैं, आप दलित विरोधी हरकत करते हैं, आपकी सरकार किसानों की बात नहीं सुनती है, आपकी सरकार दलितों की बात नहीं सुनती है, आपकी सरकार मुख दर्शक होकर देखती रहती है। मध्य प्रदेश के अंदर दलितों के ऊपर भाजपाइयों ने पेशाब करते हुए वीडियो दिखाया गया, आपने उस पर कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। आज इस राज्य के अंदर दलितों के ऊपर जो अत्याचार, वो बर्दाश्त नहीं होगा। हमारी पार्टी लड़ती आई है, लड़ती रहेगी। हम महागठबंधन के लोग बिहार के गरीबों के हित की बात किए हैं, गरीबों के हित के बात करते रहेंगे। हम लोग जनता के अदालत में जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। माननीय सदस्य श्री अजय कुमार अपना पक्ष रखते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय और सदन में बैठे हुए तमाम इस सदन के सदस्यगण और मंत्रीगण, बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है और मैं तो पहली बार विधानसभा में जीत करके मैं आया था और मुझे लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब बोलेंगे जो बोलते हैं वो करते हैं और करेंगे, लेकिन जब 22 के 9 अगस्त के बाद हम लोग मिले थे और उनके भाषण को मैं सुना, उन्होंने कहा था इस देश के संविधान को पलटने की कोशिश वो कर रहे थे, देश के इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे थे, देश के इतिहास में आजादी की लड़ाई में जिसकी कोई भूमिका नहीं है उसको इतिहास के पन्ने में लाया जा रहा है और जो कुर्बानियां दिए थे क्रांतिकारियों का नाम इस देश के इतिहास से मिटाने का काम कर रहा था। मुझे याद है बगल में बैठे हुए है हमारे सम्राट जी, इनकी एक बार नहीं कई बार इन्होंने कहा कि मेरी पगड़ी जो बंधी हुई है ये खुलेगी उस दिन जब नीतीश कुमार जी को गद्दी से उतार देंगे। आज बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि इस दो विरोधी विचारधारा के बीच जो दोस्ती हुई वो आखिर क्या मजबूरियां थी, इस मजबूरियों को बिहार की जनता समझना चाहती है। इस मजबूरियों को बताने की कोशिश कीजिएगा और मैं यह भी मैं जानना चाहता हूं और बिहार की जनता जानना चाहती है कि जब आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को आप बढ़ावा दे रहे थे, भ्रष्टाचारी हैं, तो 3 को जो बैठाए हुए हैं उसको किस शर्त पर आप ला करके बैठाए हैं, जरा सा यह भी आप बताने की कोशिश कीजिएगा कि वो समझौता आपने उनके साथ क्या किया है। महोदय, आपने जो शिक्षक बहाली के बारे में आपने कहा, मुझे तो याद है, अभी विजय माननीय विजय जी नहीं है, वो यहाँ बैठे हुए थे और सड़क पर संघर्ष कर रहे थे सम्राट जी, इसी सदन में वो कह रहे थे कि शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा था। आप तो आज मंत्री बन करके बैठे हुए हैं, जिस बात के लिए संघर्ष कर रहे थे, मैं उम्मीद करूंगा कि जब आप उद्बोधन देंगे करेंगे संबोधन करेंगे तो जरूर इस बात का जिक्र करेंगे कि जिन शिक्षकों के सवाल को राजकर्मी के लिए बिना परीक्षा लिए हुए आपने जो जनता के बीच में अपनी अल्फाज को रखा था उसको पूरा करेंगे कि नहीं। सर जरा साहब 1 मिनट हमें समय दिया जाए। दूसरी बात, क्या आपको यह बताना चाहिए
कि जब आप कह रहे थे बिहार के विकास के लिए जो योजना 17 साल का काम 17 महीने में किया हो इसके लिए पैसे कहां से लाओगे, अब कहां से पैसे आएंगे ये तो बताना चाहिए ना। डबल इंजन की सरकार है माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ये कहते थे कि बिहार का हक नहीं मिलता है, तब तो आप उनके साथ बैठे हुए हैं। बिहार के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को एक विशेष पैकेज, या बिहार के आप कितने गति से अब चलाएंगे ये देखेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में फैसला हुआ था कि बिहार के गरीबों को जो भूमिहीन है गरीबों को घर बनाने के लिए 5 डिसमिल जमीन देगी, आपने घोषणा करवाया था। समाप्त कीजिए। अब इसे जनता के लिए बताया है कि इसको कितने दिनों में पूरा करेंगे। इन्हीं सब के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा जो सरकार के लिए विश्वास मत प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव आया है हम उसका समर्थन करते हैं। महोदय, समर्थन हम लोग इसलिए करते हैं, एक दो बात आई है, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि समय भी आप नहीं देते हैं। सबसे पहले माननीय तेजस्वी प्रसाद जी को मैं कहना चाहता हूं, जो इंगित करके मुझे कह रहे थे उनको जवाब मैं देना चाहता हूं कि संगति बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, जिसके संगत में हम रहेंगे तो जरूर हमारी मानसिकता में कहीं ना कहीं गड़बड़ी आ जाएगी। तो निश्चित रूप में जिस प्रकार से हमारे तेजस्वी जी और उनके साथी लोग हैं, और आज बिहार में जिस प्रकार से 2005 के पहले की स्थिति पैदा कर रहे थे, जिसकी चर्चा माननीय मुख्यमंत्री कई एक बार तेजस्वी जी के सामने मीटिंग में कहा कि भाई मैं 2005 के पहले की स्थिति नहीं आने दूंगा, और इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि आज वो स्थिति नहीं आवे, इसके लिए उन्होंने आज बदला है और एनडीए का साथ दिया है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं महोदय। और दूसरी बात महोदय, हमें सामवादी और प्रगतिशील विचार के साथियों पर तरस आती है, कभी नहीं उन्होंने कहा कि जितनी परीक्षाएं यहाँ सर इशू हुई है और जो रसीद कटा करके बैठे हुए हैं सैकड़ों सैकड़ों एकड़ जमीन किसके कब्जे में है ये बताने का काम इन लोगों ने नहीं किया है आज। और यही कारण है कि हम नीतीश कुमार से कहा करते हैं, आज भी हम कहेंगे कि आप कई 1,00,000 एकड़ जमीन बांटे हैं, पर्चा मिली है, रसीद कटा रहा है, लेकिन उस पर कब्जा उनका नहीं है। और मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं कि चूंकि गांव घर में मैं रहने वाला हूं, चाहे 3 डिसमिल जमीन का मामला हो या 1 एकड़ जमीन का मामला हो, चाहे भूदान से हो, सीलिंग से हो, बिहार सरकार की जमीन हो, वो 100 में 90% जमीन राष्ट्रीय जनता दल के साथियों के कब्जा में है। इसको छुड़वाने के लिए नीतीश कुमार जी ने जो एक्शन लिया है इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और यही कह करके, चूंकि समय मेरा नहीं है, यही 2 विचार कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। माननीय सदस्य श्री अख्तरुल इमान, महोदय मैं अपनी बात कहां से शुरू करूं? चुराई है इसकी एक जांच सरकार करवा दे, इतनी ईमानदारी है तो ठीक। आपका समय आगे तो करवा दिया जाए, आपका समय आगे तो बोलिए बच्चे। महोदय मैं अपनी बात शुरू करते हुए और सदन के फैसले के मुताबिक नई सरकार को बधाई देते हुए अपनी बात शुरू करते हुए बड़ा परेशान हूं कि कहां से बात शुरू करूं। बेकल उत्साही महान कवि हैं, उनकी 2 मिसरे मुझे याद हैं कि हर तरफ आग है धुआं है, 2002 के पहले का गुजरात कहां है। मुझे आज यही कह रहा हूं कि सत्ता है और विपक्ष है, मैं ढूंढ रहा हूं कि 2005 का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहां है। वचनबद्धता थी, बातों में मजबूती थी, कुछ करने का संकल्प था, लेकिन अफसोस है
कि सीमांचल के एक महान कवि यूसुफ साहिदी साहब ने कहा, एक जमाना आएगा लोग जमीन बेचकर कुर्सियों से प्यार करेंगे, सियासी लोग यही कारोबार करेंगे। मुझे बड़ा अफसोस है कि आज इस सियासी कारोबार से 3 सालों के दरमियान में 3 बार सरकारें अदलती बदलती हैं, उससे नौकरशाही का बड़ा बढ़ावा हुआ है, रिश्वतखोरी बढ़ी है, लोकतंत्र की मर्यादाएं कमजोर हुई हैं। विपक्ष के लोगों से भी मुझे उम्मीद थी, गरजे मेरा ही कत्ल होकर इनका महल तैयार हुआ था, लेकिन इनसे उम्मीद थी कि ये जब कुर्सी पर बैठेंगे तो शायद कुछ मर्यादाओं का ख्याल करेंगे, मेरे खून से इनके चमन में रंगीनी आई है, मेरे साथ इंसाफ करेंगे। लेकिन अफसोस कि सीमांचल में खुद ही माननीय उप मुख्यमंत्री ने वादा किया था मेरी सरकार आएगी तो सीमांचल को विशेष क्षेत्र बनाने का कमीशन मैं जारी करूंगा, जो कि और ठाकुरगंज में कहा था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। मुझे इस बात का गम नहीं है कि चूंकि सबके दिल में है खोट, सबने दिया है हमको चोट, इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस वक्त 500 करोड़ रुपए जो बिहार के गरीब और मजदूरों के खून के पसीने की कमाई है, जिससे बिहार में जाति आधारित गन्ना हुआ है, और इस गन्ने के मुताबिक एससी बिरादरी की आबादी 2,56,00,000 20% है, उनकी 20,49,370 नौकरियों में उनकी नौकरी की हिस्सेदारी 4,11,000 होती है, उनको सिर्फ 2,91,000 नौकरी दी गई है, और बिहार में मुस्लिम अल्पसंख्यक की आबादी 2,31,00,000 होती है, उनकी अनुपातिक हिस्सेदारी नौकरी में 3,68,000 की होती है, और उन्हें मात्र 1,73,000 नौकरी समाप्त की। सर 1,95,000 नौकरी उनकी समाप्त कर दी गई है। महोदय, मैं नई सरकार से आशा करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री की वचनबद्धता का हम सबूत चाहते हैं कि कम से कम इस परिस्थिति में इन लोगों को कम से कम नौकरी दिलवाने के लिए वो विशेष प्रावधान करेंगे। हम आपका इस बात के लिए साधुवाद देते हैं कि आपने मुझे मौका दिया, सांप्रदायिकता और निज स्वार्थ की राजनीति ने हमें से देश को नुकसान पहुंचाया है, बिहार ने देश को राह दिखाया है, सांप्रदायिक से अलग होइए, निज स्वार्थ से अलग होकर पूरे देश को एक राह दिखाने का काम बिहार करे, हम उसकी कामना करते हैं। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, उपाध्यक्ष महोदय, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वास मत इस सदन में पेश किया है, अभी चर्चा चल रही है, और मैं विश्वास मत के समर्थन में कुछ बिंदु रखना चाह रहा हूँ। वैसे समय काफी बीत चुका है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोलेंगे, इसलिए अति संक्षेप, लेकिन कुछ तेजस्वी जी ने जिन बातों का जिक्र किया है, हम उसी की चर्चा करना चाहते हैं कि शुरू से ही पहले ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की क्या मजबूरियां थी, क्या मजबूरियां थी, 3 बार पूछा। तो हम तो यही कहना चाहते हैं, और इसलिए कि अख्तरुल साहब ने अपने बात की शुरुआत शेर से ही की, तेजस्वी जी पूछ दिए कि क्या मजबूरियां थी मुख्यमंत्री की, तो हम तो यही कह रहे हैं कि अरे कुछ असली बात भी बोलेंगे, हम तो यही कहेंगे कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, अपना दिल टटोल कर देखिए, यूं ही ये फासला नहीं होता। महोदय, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं, 2-3 चीज, हालांकि तेजस्वी जी ने हमारे कुछ कहने का रास्ता भी साफ कर दिया है कि वो क्रेडिट लेने की बात पर बड़ा जोर दे रहे थे, ये हम क्यों नहीं क्रेडिट ले, हम थे सरकार में साथ में, तो सरकार में साथ थे इसलिए क्रेडिट हमको भी दीजिए, अगर ये कहते तो थोड़ी देर के लिए समझ में भी बात आती, लेकिन जब अरे अरे महोदय, अच्छा तेजस्वी जी बोल रहे थे, महोदय ठीक, आप बोल चुके हैं, बोले दिया महोदय, बोले दिया
बोलिए। तेजस्वी जी बोल रहे थे तो हम एक बार नहीं टोके, ये बात क्यों भूल गए? आप बोल रहे थे तो हम एक बार भी टोके, आप मेरी तरफ देख के बोल रहे थे, हम आपकी सब बात सुन रहे थे। जो हम भी बोलेंगे सच भी बोलेंगे, सच सुनने की भी हिम्मत चाहिए। इसलिए महोदय ये क्रेडिट लेने की बात, हालांकि उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी कि सरकार में हम भी साथ, तो साथ रहने का उस वक्त क्रेडिट कौन नहीं दे रहा था। लेकिन आप हमारे नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आप साथ दे रहे हैं, क्रेडिट एकदम कंसंट्रेटेड फॉर्म में अपने ले रहे हैं, ये कहां का इंसाफ है महोदय? और शांति 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 बोले बोले बोले। और नहीं, नहीं, आ, आ, आपके भाषण में कोई टीका टिप्पणी नहीं किया, कृपया बैठ जाए। घटना तो घटनाक्रम भी बताना चाहिए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी गवर्नर हाउस से बाहर निकले तब उन्होंने कहा था क्रेडिट लेना था, हमारा मन नहीं लग रहा था, उससे हमने बोल चुके तो बोल नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था तो हम लोग तो सारा श्रेय इन्हीं को दे रहे। महोदय आखिर कौन नहीं जानता है इस प्रदेश में, या कौन इस सदन के माननीय सदस्य नहीं जानते हैं कि सरकार में कोई बड़ा फैसला चाहे लाखों की नियुक्ति का हो या कोई सैद्धांतिक रूप से नई नीति बनाने का फैसला हो, ये कौन नहीं जानता है कि ये सरकार के मुखिया ही तय करते हैं और उन्हीं के माध्यम से होते हैं। बोलिए बोलिए। और हाँ वो बता देते हैं महोदय, अभी बता रहे हैं महोदय। और जब नियुक्तियों की या बेरोजगारों को नौकरी देने की बात आती है तो हम बराबर देखते सुनते हैं कि उसमें सबसे पहले शिक्षा विभाग की बात आती है। हमारे तेजस्वी जी ने भी अभी कहा कि 2 लाख नियुक्तियां हमने कर दी। महोदय तेजस्वी जी को जरूर पता है, हमसे भी बात हुई थी, कि इन नियुक्तियों से संबंधित सारे सैद्धांतिक फैसले हमारे शिक्षा मंत्री रहते लिए गए थे। और महोदय और ये देखिए, आप लोगों की बारी में कोई आदमी नहीं उठा था, इसीलिए शांति से सुनिए। अच्छा शिक्षा मंत्री जी के संबंध में तो हमने कुछ बोल रहे थे। चंद्रशेखर जी देखिए, अब शिक्षा मंत्री जी जो पूर्व है, अब शिक्षा मंत्री जी बोल दिए, इसे तो हम नहीं बोलना चाहते थे। अभी शिक्षा मंत्री जी तो बोल दिए, लेकिन हम नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मजबूर किया है, तब हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि ये सारे बिहार में देखा है, सारे सदस्य जानते हैं कि शिक्षा विभाग की ये नियुक्तियां तब हुई थी जब शिक्षा मंत्री जी ने दफ्तर जाना छोड़ दिया था, ये सारी नियुक्तियां तब हुई थी। ये महोदय ये तो सारा बिहार गवाह है। और महोदय शिक्षा मंत्री जी की तो अब संक्षेप कर, अच्छा ठीक है, इसके बाद महोदय हम अधिक देखिए
अरे हम तो आप पर कुछ कह नहीं रहे थे, आप ही हमको जबरदस्ती बुलवा दिए। और महोदय, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि ये बार बार, और दूसरे महोदय, एक तो ये हुआ, दूसरे जातीय गणना की बात में भी सुने कि हमने कर दिया। अब महोदय क्रेडिट लेने की बात नहीं है, ये दबाव के क्रेडिट की लेने की है, मैंने आजमाइश है। ये कह रहे हैं महोदय, तेजस्वी जी का बड़ा खूब बड़ा इश्तहार हमने देखा कि ये जातीय गणना हमारे दबाव में हमने कराया, और महोदय उसी के कल होके हमने राहुल गांधी जी का बयान देखा। कांग्रेस के जो हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, महोदय हम भी कांग्रेसी रहे पुराने जमाने के, अब मुझे खुशी है कि राहुल जी के जमाने में हम कांग्रेसी नहीं है, मुझे इस बात की खुशी है। और राहुल जी का भी बयान देखे कि हमारे दबाव में जनगणना हुई। महोदय ये सदन गवाह है कि जब जातीय गणना की कोई सोचता नहीं था, उस समय से हमारे मुख्यमंत्री जी ने जातीय गणना की मांग उठाई है और पूरे देश में जातीय गणना का कराया है। इसलिए आपको एक साथी के रूप में सहयोग में कहां इनकार हो सकता है। लेकिन कभी जो आपको लगता है कि आपके दबाव में कुछ हुआ है, तो नीतीश कुमार ने आज तक कभी किसी के दबाव में कोई फैसला लिया है ना, आगे हम लोग लेने वाले हैं महोदय। और हमारा गठबंधन, हमारी सरकार नहीं है महोदय, ये सरकार अभी बनी है, इसीलिए तो मुख्यमंत्री जी विश्वास मत ले रहे। सरकार नई भले है, लेकिन गठबंधन पुराना है, समझदारी पुरानी है, हमारा समझौता पुराना है, और बिहार के जनता का तो आशीर्वाद हमने इसी गठबंधन के बल पर लिया था। और तेजस्वी जी भी जानते हैं कि इस विधानसभा का गठन जो है, इस विधानसभा का गठन भी इसी गठबंधन के आधार पर हुआ था 2020 में। तो ये क्या नया गठबंधन है महोदय, ये तो सबसे पुराना गठबंधन है। लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो बिहार को आगे बढ़ाने की, बिहार के गरीबों को मदद करने की जो योजनाएं चल रही थी, जो आप भी साथ थे तब भी हमने चलाई थी, आगे भी हम चलाते रहेंगे। इसलिए मेरा सदन से अनुरोध है कि सब लोग मिलकर मुख्यमंत्री जी के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करें। माननीय डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी, बोल लिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विश्वास का प्रस्ताव के समर्थन में और पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से समर्थन देने का काम करें। और आज एक एक चीजों पर आऊंगा, चिंता मत कीजिए। शांति। देखिए, अरे आप लोग तो खेला कर रहे थे, हम लोगों ने खिलौना दे दिया है, सदस्य का खिलौना से जाके खेलिएगा। शांति। देखिए साथियों, आज उपाध्यक्ष महोदय, कई चीजों की चर्चा यहाँ पर हुई है। ये 1996 से एनडीए का गठबंधन बना, और कुछ लोगों को भ्रम है कि मैं किसी एक पार्टी का जन्मदाता हूं, जन्म वहां लिया, और उनको पता भी नहीं होगा, बच्चे होंगे, छोटे होंगे, इसमें कहा दूं, मैं छोटे भाई है, सम्मान करता हूं मैं उनका। साथियों एक चीज समझिए, 1995 में आदरणीय नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए समता पार्टी का गठन 94 में हुआ, और मेरे को लालू प्रसाद जी के राज में हजारों लाठियों से पीटने का काम किया, और
जेल में डालने का काम किया और अपराधी के तरह बर्ताव करने का काम किया। और मैं जानता हूं उसी लालू प्रसाद जी को माफी मांगना पड़ा मिलर स्कूल के मैदान। गलतफहमी में आप मत रहिए, मैं एक एक व्यक्ति को चिंता हूं। अभी आदरणीय तेजस्वी जी कह रहे थे कि मेरे पिताजी मेरी माताजी आरक्षण देते थे। एक व्यक्ति का नाम बताइएगा तो आरक्षण जिसको मिला होगा, एक व्यक्ति। 90 से 2005 तक किसी भी रूप में कोई आरक्षण मिला हो तो आप हमको बताइए, मैं जानना चाहता हूं। आरक्षण आपको मिला, आरक्षण आपको मिला। अरे हम लोग तो लाठी खा के आए, अत्याचार खा कर देखना पड़ा, लाठियों की लाठियां और घर मेरा तोड़ दिया गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उस समय आयोग का गठन किया और उस समय हमको मुआवजा देने का काम किया बिहार की सरकार। हम लोगों ने वो दिन देखा है, कहां गलतफहमी में आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं साथियों। और आप छोटे भाई हैं, बहुत अच्छा सलाह है आपको कि आप मेहनत करें, इसमें कहीं दो मत। भगवान करे कि अभी तो 10 साल में आपने कोई मेहनत नहीं किया, 8 साल में आगे मेहनत कर लीजिए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हैं साथी जो 13 साल के उम्र में अरबपति बनने वाले हैं, दूसरा कोई मैकेनिज्म आपके पास। भ्रष्टाचार का प्रतीक कौन है? सिर्फ लालू प्रसाद जी का परिवार। और आपको पता नहीं है, आज 15 साल लालू जी सत्ता में रहे तो चारा खा गए, और जब रेल मंत्री हो गए तो रेलवे का नौकरी खा गए। यही है क्वालिटी आपकी, गलतफहमी में मत रहिएगा। और मैं सब जानता हूं चंद्रशेखर जी, अरे हमारे छोटे भाई हैं, इनको मैं सलाह दे रहा हूं। अभी बोल रहे थे ना, जिस दिन सरकार बदली तो कहा गर्व से कि खेला कर देंगे। ये क्या हो गया, खेला हो गया ना। और आपको स्पष्ट तौर पर बताता हूं, ये जो 5 विधायक हमारे गायब हुए हैं ना, एक एक का इलाज करूंगा, गलतफहमी में मत रहिएगा। और कहां कहां रहा, यहां तो सदस्य ने ही कहा कि हमरे लोग खाना हमरा खाए, और आज विधानसभा आ गई। आप हमको लोकतंत्र सिखाइएगा? लोकतंत्र लूट रहे थे आप पिछले एक सप्ताह से, लूटने का काम कर रहे थे और आप हमको सिखा रहे हैं? ये तो सामने सामने आए, अरे आप तो छुपा के रखे। सारे चीजों की जांच होगी, गलत कंफर्म रहिए, कोई छूटने वाले नहीं है आप लोग। और साथियों, आप जो माफिया राज सोचते हैं, माफिया राज बनाना चाहते हैं, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, यही है आपका। ये सब पे इलाज होगा, गलतफहमी में मत रहिएगा। और हम लोग कर रहे थे भाई साहब हमारे कि लालू जी का परिवार कभी डरेगा नहीं। अरे आपके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाने वाला भाजपा है, गलतफहमी में मत रहिए। 39 विधायकों का समर्थन था तब मुख्यमंत्री बने, नहीं तो आप कहां थे? अरे आप कहां थे? आप समझिए, मैं ये कह रहा हूं कि लालू जी भी मुख्यमंत्री बने, आदरणीय नीतीश कुमार जी उसमें उनके चाणक हुआ करते। लालू जी को यदि नीतीश जी का साथ नहीं होता तो मुख्यमंत्री बने होते क्या? लेकिन एकदम स्पष्ट रहिए, सीबीआई हमने नहीं खिलाया है। सीबीआई 1996 में आया, यही लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री के तौर पर थे, तब वो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल के थे, और जनता दल की सरकार देश में थी तब प्रधानमंत्री आपका था, कोई दूसरे का नहीं था। तब से आप जेल जा रहे हैं, कोई नया काम नहीं हो रहा है, इसलिए ये तो आपका सर्टिफिकेट है। आपके पार्टी ने आपको कहा कि आप भ्रष्टाचारी हैं, कोई दूसरा नहीं कह रहा है, आपको कह रहा है। ये 96 से हो रहा है, आज थोड़े हो रहा है, 96 से
लालू जी को लगातार, और किसके साथ बैठे हैं? शकील साहब अभी बोल रहे थे, पहले तो किसी को बोलना ही नहीं दे रहे हैं शकील साहब। बेचारे अजीत शर्मा जी पहले नेता थे, उनको कभी कभी मौका मिलता था। कांग्रेस पार्टी के युवराज जिसने लालू जी का ऑर्डिनेंस फाड़कर, अब मुखिया भी लालू जी नहीं बन सकते, बस यही कारण है, कोई दूसरा गुनहगार नहीं है। हम लोग गुनहगार नहीं है, आप गुनहगार हैं। आप ही कांग्रेस पार्टी के लोगों ने लालू जी को मुखिया बनने से भी रोक दिया, यही है। इसलिए एकदम स्पष्ट है, और ये गलत फहमी में आप हैं कि लोग कहते हैं कि हमने नौकरी दे दिया, हमने नौकरी दे दिया। एकदम, अरे आप बड़े भाई हैं, कहां दिक्कत है, आप काहे गुस्सा रहे हैं? देखिए, तो राहुल गांधी जी ने ऑर्डिनेंस नहीं फाड़ा है, ऑर्डिनेंस फाड़ा है ना? ऑर्डिनेंस किसने फाड़ा? लालू जी का ऑर्डिनेंस किसने फाड़ा? देखिए, ये लोग कह रहे थे नौकरी, लालू जी के पूरे राज में, पूरे 15 साल में, 1990 से लेकर 2005 तक पूरे बिहार में 1,00,000 लोगों की भी नौकरी नहीं, और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2020 तक 7,50,000 लोगों का नौकरी हुआ। और 2020 में हमारा कमिटमेंट था सरकार में आए और 10,00,000 रोजगार देना था। 1,75,000 नौकरी की बात जो विजय बाबू ने कहा, ये किसके समय निकला, इसमें कहा तो मत, विजय बाबू के समय में जब ये शिक्षा मंत्री थे 1,75,000 शिक्षकों की बहाली निकली। कहां आप है? देखिए, गलतफहमी में मत रहिए। अभी तो देखिए कितना शुभ है कि अभी उपाध्यक्ष महोदय, मैं कंक्लूड करता हूं, लेकिन मैं ये एक शुभ लक्षण बताना चाहता हूं कि वित्त मंत्री के तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बनाया उप मुख्यमंत्री के तौर पर, पहले लक्ष्य था 1,02,000 करोड़ रुपया भारत सरकार से मिलने वाला था 2023 और 24 के वित्तीय वर्ष में, और अभी इस मार्च तक का लक्ष्य बदलकर 1,11,009,000 करोड़ रुपया ऑटोमेटिक बढ़ गया बिहार के लिए। यह है बिहार को पूरी तरह, बजट का आकार आपने देखा हो, 2,61,000 करोड़ का बजट रहा है एकदम। देखिए, आप अपनी बात रखते रहे, आज पूरी तरह, देखिए आज विश्वास मत के समर्थन में पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, लेकिन एकदम स्पष्ट, अरे आपके नेता बोल रहे थे, कोई नहीं बोल रहा था, सुशासन स्थापित होगा बिहार में, कानून का राज स्थापित होगा, और ये जो गुंडागर्दी हुआ है ना, एक एक विभाग का फाइल खुलेगा और सबकी जांच कराने का काम किया जाएगा। मैं जानता हूँ क्या भ्रष्टाचार हुआ है, ये सब पता चलेगा। इसलिए आज विश्वास मत में पूरी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूर्ण भरोसा करती है, और पूरे भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नीतीश कुमार जी को समर्थन करने का काम करेगी। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, शांति। हमने सदन में, अरे माइक, विश्वास का प्रस्ताव रखा और उस पर विभिन्न विभागों के नेताओं ने राय रखी है, सब लोगों ने अपनी बात रखी है। शांति
क्या बात है, सपनों का तब बात हम सुने हैं तो हमारे बोलने के सुना क्या बोल रहा है। सुनना नहीं चाहते मेरी बात, बोला जाने खुद ही। अगर कोई सुनना नहीं चाहता है बोला जा, तो सीधे वोट कराइए विपक्ष उसी तरफ बोला जा। सर तो हम जितने लोगों ने अपनी बात रखी है मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, और अब ये समय आ गया है, हम तो अलग हुए हैं लेकिन आप जानते हैं कब से शुरू हुआ है? 2005 से जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला और तब से ये 18वां साल है, अब बीच में हमने 9 महीना छोड़ करके उनको दे दिया था और फिर हम काम कर रहे हैं। अब बोलिए, मुझको आश्चर्य होता है आप सुनना नहीं चाहते हैं। नहीं नहीं बोलिए बोलिए। ओह अगर शांति शांति रहे। आपको हो क्या गया है? हम सब की बात सुने हैं। अरे आप समझाइए लोगों को। शांति 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 बोल रहे हैं। अभी तो हम शुरू ही कर रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं। आप सुनिए उनका कितना देर सुने हैं। शांति शांति ये 40 मिनट इनकी बात सुने हैं। शांति शांति। तो आप लोगों को याद है कब से हमने काम करना शुरू किया है 2005 से, और 2005 से जब काम शुरू हुआ है और उसके बाद बिहार का कितना विकास हुआ है, और हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला तो क्या हुआ था बिहार में जी, क्या होता था? अरे शाम में कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था, आप जरा सोच लीजिए, और कहीं कोई सड़क था, कहीं कोई रास्ता था, और जब हम लोगों को मौका मिला और ये बात करते हैं अपने को कि इनके साथ मुस्लिम है तो कितना मुस्लिम हिंदू का झगड़ा होता था, और जब हम आए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बंद कराए, कब हुआ था? आज तक भूल जाना है? अगर इतिहास जानो, 5 के पहले तक का इतिहास जानो, और उसके बाद जिस तरह से मुसलमानों के साथ हुआ था कार्रवाई और जो कुछ भी हुआ, तो 15 साल नहीं किए और जब हमको मौका मिला तो हमने तुरंत उस पर कार्रवाई की। कौन सा काम है जो भूल रहे हैं? और हमने कभी भी समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया है, और कितना काम हुआ, कितना डेवलपमेंट हुआ है। अब शाम में कोई है, अब आप सोचिए 12 बजे 13 के बजे तक, 11 बजे 12 बजे तक महिलाएं घूमती हैं, और कहां महिलाएं पढ़ती थी 5वें क्लास के बाद, आज क्या है, अब मैट्रिक तक लड़का लड़की दोनों बराबर। और कितना काम हम लोगों ने किया, हमने इनको मौका दिया एक बार, और हाँ दिया है दो बार दिया है, जब 5 में हमने किया ये 7 में थे, और जो कुछ भी हमने तय किया सारे काम की हमको क्या करना है 5 से 10, ये पूरी की पूरी पार्टी ने एक साथ दिया, उसको स्वीकार किया और कितना आगे बढ़े, और फिर 10 में जो किया, तो जो कुछ भी हमने तय किया इन लोगों ने तय किया कि यही रहेगा, लेकिन 25 जब हम 15 में 7 निश्चय की बात हमने की तो आप लोग भी आए, तो कोई इधर उधर किया, 7 निश्चय मेरी आइडिया थी, किसी और का नहीं था, और जब मेरे साथ आ रहे थे तो स्वीकार किए और पहले गड़बड़ नहीं किए,
और कुछ दिन के बाद हम देख रहे थे कि काम ठीक नहीं कर रहे हैं ये लोग, तब हमने फिर वापस इन लोगों का साथ, और उसके बाद फिर 2020 में जब हमने सात निश्चय दो तय किया तो इन लोगों ने पूरा का पूरा साथ दिया और एक साथ उसको भी किया। और जब आप लोग आए तो सात निश्चय दो का काम हो रहा था तभी क्लेम कर रहे हैं कि आप ही किए हैं। इतने बड़े पैमाने पर सबकी नियुक्ति हो रही थी तो शिक्षा के मंत्री कौन थे? और शिक्षा के बारे में जो तय हो गया था और वही हो रहा था तब आप लोग आए तो जबरदस्ती शिक्षा ले लिए। एक बार कांग्रेस में शिक्षा लिया था लेकिन इधर उधर नहीं किया। अब आप शिक्षा लिए तो अपने गड़बड़ करते थे, हर बार रोकते थे और वही हुआ। इसीलिए ये सब बात मत करिए। और दूसरी बात, जब ये लोग साथ थे तो हमने बाकी सब लोगों को एकजुट करने के लिए यहाँ पर मीटिंग भी किया। आप जरा बताइए, हम सबको एकजुट कर रहे थे। हम इन लोगों को कह रहे थे कि छह पार्टियां हैं तो सभी छह पार्टी को, हमने एक पार्टी को एक किया, हमने कहा कि उनके साथ दो दीजिए और बाकी कांग्रेस को दो ही दिए। हमने कहा नहीं, दो से ज्यादा मिलना चाहिए, उनका 19 सीट है। और उसके बाद आप लोगों को, बाकी जो पार्टियां थी उन सब लोगों को भी कहा कि उनको सीट मिलना चाहिए, लेकिन दुए को मिला इन लोगों को। आई लोग बराबर आके हमको कहते थे, हम के जाके मिल लीजिए, आप ही लोग साथ थे, तो कुछ हुआ जी? तो इसीलिए, और बाकी जो हम इतना दिन मेहनत किए और हम सबको एकजुट कर रहे थे तो हम सारा मेहनत कर रहे थे, कुछ हुआ? और अंत में जो हमको पता चला कि जैसे कांग्रेस पार्टी भी इनकी पार्टी इधर से उधर कर रही है, उसको डर लग रहा था। हम बार बार कह रहे थे कि बाकी पार्टियों को एकजुट करिए, तो उसको, उनको हमसे तकलीफ था। और हमको पता चला कि इनके पिताजी भी उधरे साथ थे, तब हमको पता चल गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है। और फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए जहां से हम बहुत पहले थे, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, आप चिंता मत करो। लेकिन हम किसी को हम नुकसान नहीं करेंगे, हम आपके सबके हित में काम करेंगे। आप जिस कम्युनिटी की बात करते हैं उनके हित के लिए भी काम करेंगे, आप बिना मतलब का। अरे आप लोगों के तो हित में हम काम करते रहेंगे। आप तो मेरे साथ थे पहले, अब बीच में इधर से उधर हुए, और आपको मालूम है जब हम पहली बार चुनाव लड़ते थे और उस समय सारे जो हमारे सीपीआई सीपीएम के लोग थे सब हमको साथ देते थे, हमारा रिश्ता। और आपकी पार्टी का रिश्ता हम लोगों के साथ। अब बाद में जो इधर उधर करें, अब आपका हम सबसे सुन लीजिए, बाद में कहिएगा। तो हम तो शांति शांति तरफ से अब सारा काम हो गया है, अब पूरे तौर पर सारा विकास का काम, लोगों के हित में काम, और ये सब काम हम लोग करते रहेंगे। हमारा यही आग्रह है कि अब जान लीजिए कि कितना ज्यादा सात निश्चय में कितना फायदा हो गया 2016 से, और सात निश्चय दो में जो हमने 2021 से शुरू किया आज कितना फायदा हुआ है। और ये सब काम इसको हम लोग जारी रखते हैं, और इसी के माध्यम से बिहार का विकास होगा और समाज के हर तबके का हम लोग ध्यान रखेंगे। हम लोग कभी भी किसी के खिलाफ नहीं है। अब बाकी इन लोगों का जो कुछ भी होगा, अरे भाई हमको तो बीच में तकलीफ हो गई कि हम इन लोगों को इज्जत दिए हुए थे और हमको पता चला कि लोग कमा रहे हैं। आज तक जब ये पार्टी हम लोगों के साथ थी कभी इधर उधर नहीं किया था, अब आज शुरू हो गया, अच्छा नहीं है। और अभी भी आप एक ही जगह सबको रखे हुए थे,
और फिर हम लोगों के पार्टी के इनके पार्टी के अनेक लोगों को पता चला कि कितना लाख लाख दे रहे थे सबको इधर उधर करने की। अच्छा, कहां से पैसा आया, कहां से पैसा आया, हम सबका जांच करवाएंगे, सबका जांच करवाएंगे, कोई गड़बड़। याद रखिएगा, आप लोगों की पार्टी ठीक नहीं कर रही है, अब गौर कर लीजिएगा। इसलिए और आप लोग कहे के लिए इधर उधर है, इधर वाला सब आपका साथ देगा। आपको जब कोई समस्या हो आकर के मिलिएगा और आपकी समस्या का भी समाधान हम लोग करेंगे, चिंता मत करिएगा, हम सबका ख्याल रखेंगे। लेकिन राज्य के हित में काम कर रहे हैं और राज्य के हित में काम होगा। और अब हम लोग जो तीनों एक साथ हैं, अब हम ही लोग तीनों एक साथ रहेंगे और पूरा का पूरा काम करेंगे। और आज नहीं, बैठ जाइए प्लीज, आप जो मेरे एक मिनट, हम आग्रह करेंगे कि जो मेरे पक्ष में जितने हैं उनका भी वोट ले लीजिए, और मेरे खिलाफ देना चाहते हैं तो उसका भी वोट ले लीजिए। लेकिन आप जा रहे हैं तो जाने दीजिए, मैं तो आग्रह करूंगा कि आप जो हम लोगों के पक्ष में हैं उसका भी वोट ले लीजिएगा। हाँ, वो गिनती कर वही होगा। तब पता चलेगा कि हम लोगों के पक्ष में कितने हैं। वही शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। माननीय सदस्यगण, प्रश्न यह है कि यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास करती है? जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लेकिन महोदय, लेकिन मतदान की प्रक्रिया, उपाध्यक्ष महोदय, आपने तो ध्वनि मत से पारित होने की घोषणा की, लेकिन आप जानते हैं कि ये बड़ा महत्वपूर्ण मोशन है, विश्वास मत का। आप देखिए, जा रहे हैं कि बोल रहे हैं, जा रहे हैं कि बोलते जा रहे हैं। महोदय, इसलिए और एक और कारण है कि जनता के बीच, हाँ, जनता के बीच तरह तरह का भ्रम फैलाया गया था कि इतने विधायक गायब हैं, इतने विधायक ये हैं, अभी खेला होना बाकी है। तो हम कहेंगे कि जो विश्वास मत के पक्ष में है उनकी गिनती आप अवश्य करा लें, इसलिए कि बिहार की जनता को ये समझना चाहिए कि सरकार कितने अच्छे बहुमत से चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, अनुरोध हम यही करेंगे कि सदन से अनुरोध करता हूँ कि हमारे प्रस्ताव के पक्ष में मत देकर सरकार के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करें, मत लीजिए। माननीय सदस्यगण, अब मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सभा सचिव, घंटी बजाई जाए और द्वार खोल दिए जाए, 3 मिनट तक घंटी बजेगी। बोले लिखे होगा कितना कितना होगा आप आग पक बैठना। हाँ, बोल रहा मैंने ये पहले कहीं गई है, अभी नहीं, घंटी बजेगा, बज रहा ये है।
सभा सचिव घंटी बंद करें और द्वार बंद किया जाए। माननीय सदस्यगण, मैं एक बार पुनः रखता हूं, प्रश्न यह है कि यह सभा वर्तमान राज्य मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करती है, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया खड़ा हो जाए। गणना शुरू की जाए। माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाएं। माननीय सदस्यगण, हां के पक्ष में 129 और ना के पक्ष में 0। माननीय सदस्यगण, कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या के मतदान से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यह सभा 129 है, देखो आप भी बैठे हो। 130 हुए, 130। माननीय सदस्य, कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या के मतदान से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यह सभा वर्तमान राज्य मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, अध्यासी सदस्यों का मनोनयन। उपाध्यक्ष, माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 12(1) के अधीन मैं निम्न सदस्यों को सप्तदश बिहार विधानसभा के एकादश सत्र के लिए अध्यासी सदस्य मनोनीत करता हूं। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह 2400, श्री हरिनारायण सिंह 2400, श्री विजय शंकर दुबे 2400, श्री भूदेव चौधरी 2400, श्रीमती ज्योति देवी 2400। माननीय सदस्यगण, आज सदन में महत्वपूर्ण कार्य का निष्पादन होना है। सर्वप्रथम बिहार विधानसभा के प्रक्रिया संचालन नियमावली के नियम 219(1) के अधीन में सप्तदश बिहार विधानसभा के एकादश सत्र के लिए कार्य मंत्रण समिति का पुनर्गठन
निम्न प्रकार करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय मंत्री संसदीय कार्य श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री ऊर्जा श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, सौ श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सौ श्री शकील अहमद खां साहब, माननीय सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य श्री जीतन राम मांझी जी 2400, श्री आलोक कुमार मेहता 2400, श्री महबूब आलम 2400, श्री राम रतन सिंह 2400, श्री अजय कुमार 2400। नियमानुसार उपाध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे। माननीय सदस्यगण, माननीय प्रभारी मंत्री वित्त विभाग, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राज्य कोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति सभा मेज पर रखता हूँ। सभा सचिव, सप्तदश बिहार विधानसभा के दसम सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित निम्न 6 विधेयकों का विवरण सदन पटल पर रखता हूं, जिस पर महामहिम राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत अनुमति प्रदान की गई है। क्रमांक 1, बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2023, अनुमति की तिथि 16/11/2023। क्रमांक 2, बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2023, अनुमति की तिथि 16/11/2023। क्रमांक 3, बिहार माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023, अनुमति की तिथि 16/11/2023। क्रमांक 4, बिहार विनियोग संख्या 4 विधेयक 2023, अनुमति की तिथि 16/11/2023। क्रमांक 5, बिहार शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, अनुमति की तिथि 18/11/2023। क्रमांक 6, बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन विधेयक 2023, अनुमति की तिथि 18/11/2023। माननीय सदस्यगण, कतिपय जन नायकों के निधन की सूचना मिली है, जिनके बारे में शोक प्रकट करना हमारा कर्तव्य है। बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री गोवर्धन नायक, स्वर्गीय श्री गोवर्धन नायक का निधन दिनांक 16 नवंबर 2023 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 81 वर्ष की थी। स्वर्गीय नायक संयुक्त बिहार के पश्चिमी सिंहभूम जिला के मझगांव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1977 एवं 1995 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे। वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय श्री पूजन सिंह जी, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री शिव पूजन सिंह का निधन दिनांक 30 नवंबर 2023 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 82 वर्ष की थी। स्वर्गीय सिंह रोहतास जिला के दिनारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1977 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को
दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय रामचंद्र राय, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री रामचंद्र राय का निधन दिनांक 23 दिसंबर 2023 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 80 वर्ष के थी। स्वर्गीय राय समस्तीपुर जिला के महद्दी नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980, वर्ष 1990, 1995 एवं 2000 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे। वे लोकप्रिय व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय रामनाथ गुप्ता जी।